अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद। प्रोग्राम है वॉक यो टॉक। हर मंडे की शाम को आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और मौसम बदलते हैं। कभी गर्मी ज़्यादा होती है तब हम आपकी खिदमत में हाजिर हो जाते हैं, कभी जो है बरसात का मौसम आ जाता है और बरसात के सुहाने नगमे हमारे दिलों में जो है वो फूटने लगते हैं, उधर बारिश बरसने लगती है और मुख्तलिफ़ मौसमों के मुख्तलिफ़ राग और रागनियाँ भी होते हैं। मौसम कोई भी हो, हमारी कोशिश ये होती है कि हर हफ्ते आपसे मुलाकात ज़रूर हो जाए। कहते हैं ना कि सीखें हमार रुखों के लिए हम मुसव्वरी, तकरीब कुछ तो बहरे मुलाकात चाहिए। तो कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं और आपसे मुलाकात कर लेते हैं। और रागों और रागनियों की बात करते हैं हम, तो आपकी मुलाकात हम करा रहे हैं जो हमारे साथ हमेशा होते हैं, सुल्तान साकिब बलोच। आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। और आप जानते हैं कि सुल्तान साहब गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं और राग भी पूरे लगाते हैं, कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में असद असगर भी कीबोर्ड के साथ। असद साहब, आपको भी प्रोग्राम में हम खुश आमदीद। थैंक यू। असद भाई, क्या सुना रहे हैं आप इस वक्त हमें? क्या ज़रा बैकग्राउंड में जो है इसको मौसीकी को ज़रा ऊंचा करके सुनाइए। रिलैक्सिंग म्यूजिक। एक दफा हाइड पार्क जाने का इत्तेफाक था। जी, लंदन में हाइड पार्क है, जिस तरह यहाँ पे भी लॉरेंस पार्क है, हमारे पीछे जो है वो क्या कहते हैं रेस कोर्स पार्क है। तो वहाँ पे एक सरदार जी बैठे हुए थे। तो सरदार के नाम होते हैं बंटा सिंह, बूटा सिंह, ऐसे नाम होते हैं। तो किसी ने गुजरते हुए देखा कि भाई वो बड़े आराम से बैठे हुए। तो उन्होंने कहा, सरदार जी रिलैक्सिंग? उन्होंने कहा, नो बंटा सिंह। तो वो आपने भी कहा रिलैक्सिंग म्यूजिक है, तो मुझे उससे ख्याल आ गया। तो म्यूजिक का बड़ा असर होता है। मौसीकी अच्छी हो तो बाकी इंसान जो है उसकी सारी स्ट्रेस टेंशन दूर हो जाती है। मौसीकी हमारे जज्बात के साथ चलती है, हमें जज्बात की रॉ में बहा के ले जाती है। मौसीकी इस किस्म की हो जिसमें गम हो तो हम गमगीन हो जाते हैं। मौसीकी तरबिया हो जिसमें हमारी एकदम जो है हल्ला गुल्ला करने को दिल करे तो हमारा उसी तरह का मूड मिजाज हो जाता है। सो आप देखिए कि जितनी भी फिल्में होती हैं उनके पीछे जो स्कोर होता है, जो म्यूज़िक होता है, उसमें भी इस चीज़ को मलहूज़ खातिर रखा जाता है कि जैसा म्यूज़िक है और जैसी फिल्म है, जैसा उसका थीम और जैसी उसकी कहानी है, उसके मुताबिक ही उसका स्कोर जो है उसको तरतीब दिया जाता है। सीन के मुताबिक ही उसको बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है। तो देखा जाए तो म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा रोल होता है फिल्म में, सीन को चार चांद लगाने में जी म्यूज़िक का बहुत बड़ा हाथ होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा साकिब भाई और असद भाई, ऐसा है नाज़रीन कि हमारी ज़िंदगी भी एक पर्दे सीमी पे दौड़ती भागती हुई फिल्म की तरह होती है। जैसे हम फिल्म में पर्दा सीमी पे देखते हैं, टेलीविज़न ड्रामास में देखते हैं, किरदार आ रहे हैं, किरदार जा रहे हैं, कभी खुशी कभी गम, कभी कोई मुश्किल कभी आसानी, कभी हीरोज़ कभी विलन्स, कभी साइड हीरोज़ कभी करेक्टर एक्टर्स, ये सब जो एक चीज़ चलती है उसमें मुकालमे होते हैं, एक दूसरे से एक्सक्यूज़ मी बातचीत होती है। मैं ज़रा वो गला साफ़ कर लूँ प्रोड्यूसर साहब, तो उस हिसाब से ज़रा आप अपना एडजस्ट कर लें। आज पता नहीं क्या वजह है कि जो मरतूब हवा है, यानी जो ह्यूमिडिटी है, वो बाहर ही इतनी ह्यूमिड नहीं है बल्कि उसका गले के ऊपर भी असर पड़ रहा है। और लाहौर का मौसम जो है वो तकरीबन सुबह में जब आ रहा था, मुझे एग्जैक्टली इस वक्त देख लेते हैं, 36 डिग्री सेल्सियस था। और मगर महसूस ऐसा हो रहा था कि जैसे इस वक्त ख्वातीन और हज़रात लाहौर का मौसम जो है 38 डिग्री सेल्सियस है, 38, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। पाकिस्तान में रहने वाले, लाहौर में रहने वाले तो
40-45 डिग्री से भी आशना है, मगर महसूस पता है क्या हो रहा है? 48 डिग्रीज, 50 डिग्रीज बहुत ज़्यादा होता है, और महसूस ये हो रहा है कि 48 डिग्रीज दर्जा हरारत है। ख्वातीन हज़रात, इस फिल्म में मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, आपकी तवज्जो चाहता हूँ, कि कई दफ़ा हमें हालात जो हैं वो बज़ाहिर साजगार लग रहे होते हैं, मगर हमारे अंदर का मौसम कुछ इस तरह का होता है कि हमारे अंदर बहुत हिद्दत, बहुत गर्मी, बड़ी शिद्दत होती है, तो हमें लगता है कि बहुत दूभर हो रहा है, जीना मुश्किल हो रहा है, और हमें बड़ी गर्मी लगती है, बड़ा सेक आता है, बड़ा हमें हीट महसूस होती है, और कभी हम इतने कूल होते हैं, इतना सुकून होता है ज़िंदगी में कि दिल में भी सुकून, आँखों में भी सुकून, और कंपनी ऐसी होती है, हालात ऐसे होते हैं, अल्लाह से लौ लगी होती है, तो इर्द गिर्द एक कयास होता है, एक इर्द गिर्द जो है बहुत मसले मसाइल चल रहे होते हैं, मुल्की सतह पे हो सकता है, मुआशरती सतह पे हो सकता है, मगर आपके अंदर एक गहरा सकून होता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप एक नीलगूं लेक हो, यानी कि क्या कहते हैं लेक जो होती है, जैसे जहाँ पे पानी का ज़खीरा होता है, लफ्ज़ क्या होता है, झील, जैसे झील सी नीली आँखें होती हैं ना उस तरह, तो कोई पत्थर फेंकें तो बड़े आराम से वो उसकी गहराई में चला जाता है, तो कई दफ़े इतना सुकून अंदर होता है। तो असल बात ये आपके अंदर के सुकून की है, मन की दुनिया, वो कहते हैं ना कि ये अपनी मस्ती है जिसने मचाई है हलचल, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, तो ये अपने अंदर की कैफियत भी हैं, मगर दूसरी तरफ जो है बाहर के मौसम भी हमारे ऊपर असर अंदाज होते हैं, और उसके लिए हमने पहले से क्या इख्तियार किया है, लाए है अमल, और क्या हमने तरीका क्यार अपना रखा है कि उन मौसमों से किस तरह से हमने जूझना है, किस तरह से नबर्द आजमा होना है। लाहौर का मौसम तो मैंने आपको बताया कि 38 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत के मुताबिक, मरकरी के मुताबिक, पारे के मुताबिक है, मगर महसूस 48 डिग्री सेल्सियस जैसा हो रहा है इंसानों को। इस्लामाबाद का दर्जा हरारत मैं आपको बताता चलूं कि कुछ ऐसा कम नहीं है, वो 39 डिग्री सेल्सियस है, और वो 47 डिग्री जैसा महसूस हो रहा है, यानी कि वहाँ पे भी काफ़ी ह्यूमिडिटी है, काफ़ी हब्स है, और अगर आप मरी चले जाएं तो वहाँ पे इस वक्त दर्जा हरारत 26 डिग्री सेल्सियस है, और महसूस भी 27 डिग्री जैसा हो रहा है, और गिलगित में अगर आप चले जाएँ तो वहाँ पर इस वक्त 34 डिग्री टेम्परेचर है, और ये अब हम करीमाबाद, जिसको आप क्या कहते हैं, करीमाबाद इज़ नोन एज, जहाँ पे नाम देखें जेन से, हुंजा वाटर बड़े शौक से पीते हैं, करीमाबाद का दर्जा हरारत इस वक्त है, आप गेस करेंगे क्या होगा हुंजा का, एक गेस वर्क, 32, आपका क्या ख्याल है, 32, 33, और उमेर साहब आपका क्या ख्याल है कि हुंजा का दर्जा हरारत क्या होगा इसमें, 20, और आप कामरान साहब 25 कर लें, और मलिक अरसलान क्योंकि लंबे हैं तो ये पहाड़ों की उस तरफ देख रहे हैं, अताबाद झील से तैरते हुए आप हुंजा पहुंचे हैं करीमाबाद, और बताइए अरसलान के दर्जा हरारत क्या है, 25, वहाँ का दर्जा हरारत इस वक्त ख्वातीन हज़रात 19 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हाफिज़ साहब वाज़ द नियरेस्ट, क्योंकि अक्सर आपको पता है लॉन्ग ड्राइव पर चले जाते हैं, अब तो माशाल्लाह जो है जब से इनकी शादी हुई है इस बार तो ये अकेले गए, वालिदैन गए हुए थे उमरा करने, तो ये अकेले अपनी जो है ज़ौजा मोहतरमा को ले कर ऐसी सैर करते रहे, तो इनको पता है कि वहाँ का दर्जा हरारत क्या होगा, ऐसे ही है ना। तो कराची का दर्जा हरारत इस वक्त 32 डिग्री सेल्सियस, और वहाँ महसूस 37 डिग्री जैसा हो रहा है। ये तो ख्वातीन हज़रात मैंने आपको असल जो टेम्परेचर मर्करी पे थे वो बताए, मगर हम ये सब चाहते हैं कि ज़िंदगी को मज़ेदार रखें, ज़िंदगी को कुछ इस तरह से रखें कि उसमें लताफत ही लताफत हो, उसमें कोई कसाफत ना हो, उसमें कोई मुश्किल ना हो, उसमें जो है आसानियाँ हों,
उसमें तकलीफ़ें ना हों, उसमें आसाइशें हों, और ऐसा होता नहीं। ये कोई जन्नत नहीं है, ये दुनिया जो है ये दुनिया है, जब ही तो इसको दुनिया कहते हैं। दुनिया में जैसे आमाल करेंगे, जैसे हम अच्छे काम करेंगे, वो हमारा बैंक बैलेंस की तरह है। जिस तरह से हम अगर मेहनत करते हैं और सारे पैसे खर्च नहीं देते हैं, वी सेव समथिंग फॉर द रेनी डे, और हम कुछ ना कुछ अपने बैंक में अकाउंट में डालते रहते हैं। अभी पिछले ही दिनों में माशाल्लाह इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो क्या लेके रखे हुए थे आपने, प्राइस बॉन्ड्स लेके रखे हुए थे, और फिर बारिश आई और वो प्राइस बॉन्ड्स इधर उधर हो गए, बारिश की नज़र हो गए। जी जी। तो भाई ये बड़ा हमें ख्याल रखना पड़ता है कि अपनी जो चीज़ें हैं कीमती अशिया, उनका बहुत ख्याल रखें। और ये कीमती अशिया किसी के 10 साल काम आ जाती हैं, किसी के 20, किसी के 30, किसी के 50, किसी के 70, किसी के 80 साल काम आ जाती हैं। और वो लोग अच्छे हैं जो ये समझते हैं कि इसके बाद कुछ होने वाला ही नहीं है। अच्छे इन दिस सेंस हैं कि भाई कबूतर की तरह उन्होंने आंखें बंद की हुई हैं और उनका ये ख्याल है कि बस जो कुछ नज़र आ रहा है यही कुछ है, फिर माटी के साथ माटी, और जो जल गए, अगर कोई हिंदू धर्म के वो हैं जानने वाले तो जल गए, तो फिर भी कुछ नहीं। तो हमें ये ख्याल रखना है कि अगर देर और दूर तक परवाज़ करनी है तो हमें अपने आमाल का बहुत ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में भी अब तो ये सिलसिला चल रहा है कि जो कुछ हम बोते हैं वही काटते हैं। आपने देखा होगा कि पहले चीज़ें छुपी होती थी, मालूम नहीं होती थी अमेरिका में क्या हो रहा है, फ्रांस में क्या हो रहा है, टम्बकटू का तो कुछ पता ही नहीं था। मगर अब क्योंकि दुनिया जो है ग्लोबल विलेज बन गई है, सोशल मीडिया है, ये छोटी सी एक जो डिवाइस है उससे आप पूरी दुनिया की खबरें ले लेते हैं। इसलिए भैया बात यह है कि हमें जो भी काम करना है वो सोच समझ के करना है कि इसी दुनिया में भी काफ़ी चीज़ों का हमें रिटर्न मिल जाता है, प्रॉफिट या लॉस, या हमें फ़ायदा हो जाता है नुकसान हो जाता है। और इंसान की इज़्ज़त जो है वो बहुत अहम चीज़ होती है। हालांकि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इज़्ज़त तो आनी जानी चीज़ है, आज भी जाए तो अच्छा है, चली भी जाए तो अच्छा है, मगर कहते हैं कि इंसान की रेपुटेशन जो है, उसका जो उसकी जो शोहरत है वो बहुत अहम है, और अगर शोहरत को बटा लग जाए तो फिर बड़े मसले होते हैं। मगर इंसानों के सामने चीज़ें छुपी होती हैं, इस दीवार के पीछे क्या हो रहा है मैं नहीं जानता, और अगरचे कैमरे से आप इधर मुझे देख सकते हैं, मैं आपको नहीं देख सकता। तो अभी मेरा बेटा रात को मुझे कह रहा था कि बाबा आप ये बताइए कि अगर हर जगह ये कैमराज लग जाएं, सर्वेलेंस कैमराज लग जाएं, तो जुर्म क्या कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा? तो मैंने कहा यार देखो ऐसा है कि जो लोग सर्वेलेंस कैमराज लगाएंगे तो वो छुपे हुए लगाएं या सर्वेलेंस कैमराज लोगों को भी नज़र आ रहे हों। आपने देखा होगा लाहौर शहर में अभी हाल ही में चौक पे, चौराहे पे बहुत से सर्वेलेंस कैमराज ट्रैफिक को देखने के लिए लग गए, और बहुत से लोगों ने अपने घरों के बाहर और बहुत से बिजनेसेस ने अपने बिजनेस के बाहर, बिल्डिंग के बाहर लगाए होते हैं। तो काफ़ी जगह ऐसी लाहौर में तो मौजूद हैं और लोगों ने अपने घरों में भी लगाए होते हैं ताकि पता चल सके। तो वो मुझसे पूछने लगा कि अगर ये लग जाए कैमराज तो इससे जुर्म कम होगा या नहीं? तो मैंने कहा ये बताओ कि इनको छुपा के लगाया जाए या दिखा के लगाया जाए। उन्होंने कहा दिखा के लगाया जाए ताकि लोगों को तंबीह हो कि यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है। पहले बच्चों को डराने के लिए कहा जाता था कि बेटा ऐसे ना करो, अल्लाह देख रहा है। अब लिखा होता है कि भाई यहाँ कैमरे की आँख देख रही है। तो है ऐसा है ना, ऐसा होता है। तो मैंने कहा यार अगर तो वो चोर उचक्के डकैत जो भी हैं वो दो तरह के जुर्म होते हैं, एक होता है वाइट कॉलर क्राइम, एक होता है ब्लू कॉलर क्राइम। एक तो मजदूर है, फलान है या सड़क पे है, उसने तो क्राइम कर लिया। कुछ ऐसा क्राइम किया जाता है जो कि लोगों की आंखों से छुप छुपा के डॉक्यूमेंट्स में कर लिया जाता है, या फिर जो है कोई खुर्द बुर्द कर ली जाती है बैलेंस शीट की। तो एक बात तो सबसे बड़ी ये है कि देखना ये होगा कि हमारे अंदर क्राइम है, हमारे दिमाग में क्राइम है कि नहीं। अगर वहाँ पर क्राइम नहीं है, अगर हम उस क्राइम को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उस जराइम पेशा सोच को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर एक तो फ़र्क पड़ेगा। दूसरा ये कि ज़ाहिर है अल्लाह नेड़े के कसून, तो अगर वो कसून नेड़े है, वो आपका कैमरा लगा हुआ है, आपको लगता है कि ये मैं पकड़ा जाऊँगा, तो फिर भी कुछ फ़र्क पड़ेगा। मगर कुछ लोग जो हैं वो साइकोपैथ होते हैं,
साइकोपैथ वो लोग होते हैं जिनकी जिनमें दूसरों के लिए कोई एम्पथी नहीं होती, जिनको सिर्फ अपना तो नज़र आता है कि मेरा फ़ायदा क्या है, मगर वो दूसरों के फ़ायदे की बात नहीं सोचते। मेरे इस काम से दूसरे को क्या तकलीफ़ होगी, क्या नुकसान पहुँचेगा, ये चीज़ उनकी नज़रों से ओझल होती है, उनको सिर्फ अपना फ़ायदा नज़र आता है। इन लोगों को साइकोपैथ कहते हैं, यानी कि उनकी जो सोच है, साइकोलॉजी जो है, उनकी जो नफ्सियात है, उसमें पैथोलॉजी होती है। पैथोलॉजी का मतलब उसमें कोई ख़राबी होती है, डिजीज़ होती है, तो इनको कहते हैं साइकोपैथ। कुछ होते हैं सोशियोपैथ, जो कि उतने बुरे तो नहीं होते। हर मुआशरे में 1% लोग साइकोपैथ होते हैं, 1% बहुत बड़ी है, यानी 100 के पीछे एक आदमी। तो आपको नहीं पता कि वो मैं हूँ, ये हैं, वो हैं, या आप खुद हैं, खुद को तो पता होता है। मतलब 100 में से एक शख्स ऐसा निकल आएगा जो साइकोपैथ है, और अल्लाह माफ़ करे, वो सिर्फ अपना फ़ायदा सोचता है, उसको इस चीज़ की कोई परवाह नहीं, किसी को टक्कर लगे, किसी का नुकसान हो, इस चीज़। और आप ये सोचते देखते हैं ना, बच्ची को अगवा कर लिया, बच्चे को अगवा कर लिया, किसी खातून को अंधेरी जगह पे देखा, उनके साथ दस्तराजी कर ली, या फिर सोशियोपैथ की अब बात करते हैं, ये तो आप समझ ही गए। जैसे इधर उधर देखा, अगर गाड़ी जो है गुजार सकते हैं हम, इंडिकेटर ही तो है, नहीं दिया तो क्या हुआ, रेड लाइट थी तो है, क्या हुआ, अगर बच गए तो कोई बात नहीं। ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये हमारी कौमी सोच को और हमारी फ़िक्र को और हमारे तर्ज़ अमल को एक देती हैं। जिस तरह बाहर के ममालिक में अगर कोई वज़ीर हो या कोई गवर्नमेंट का मुलाजिम हो और वो पकड़ा जाए, तो हो सकता है कि उसकी ये कानून तोड़ने पे, यानी ये हमारी एक सोच की अक्कासी करती है कि एक सोच ये होता है कि जो पकड़ा जाए वही चोर है, जो ना पकड़ा जाए वो चोर नहीं है। तो जो मैं बात पहले कर रहा था, तवील हो गई बात, कि अपनी सोच को बदलेंगे तो ये मुल्क बदलेगा, ये कौम बदलेगी, हालात बदलेंगे, तकदीरें बदल जाएंगी। जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे और हम ढूंढेंगे कि कोई मसीहा आएगा, कोई शहज़ादा आएगा जो कि सफ़ेद घोड़े पे होगा, और घोड़ा जो है वो भी कोई यूनिकॉर्न होगा जिसका सींग होता है, और बड़ी हम ऐसी बातें सोचेंगे कि कोई आके हमारी तकदीर बदल देगा, पता नहीं वो कब आएगा, कब तकदीरें बदलेंगी। तो भाई एक तरीका तो ये है कि आज और अभी और इसी वक्त अपना दिल बदलने का फ़ैसला कर लो, अपना सोच बदलने का फ़ैसला कर लो, क्योंकि जितनी भी कौमें हैं और जितनी भी तरक्की है, वो फ़र्द वाहिद से शुरू होती है। अगर फ़र्द वाहिद का दिल मोम हो गया, बदल गया, उसने अल्लाह को भी जवाब देना है, उसने बंदों को भी जवाब देना है, और उसने अपने ज़मीर की अदालत को भी जवाब देना है। ये बातें कहने में बहुत आसान लगती हैं, कब से लोग यही बातें कर रहे हैं, मगर जब तकड़ी को कोई पकड़ता है और जब फैसले की घड़ी आती है, तो इंसान डामाडोल हो जाता है। और आप जानते हैं ना कि जो एथलीट्स होते हैं वो बहुत सी प्रैक्टिस करते हैं, और फिर उनसे अगर वो निशाना बांधते हैं, अगर उन्होंने शूट करना है या उन्होंने तीर अंदाजी करनी है, तो बिल्कुल सही बुल्ज़ाई में निशान, बिकॉज उन्होंने कई दफ़ा जो बॉलिंग करते हैं उन्होंने कई बॉल्स कराई होती हैं। वो एक विकेट के ऊपर आप बेल्स रख दें, उनको भी उड़ा सकते हैं, वो कोई भी शॉट खेल सकते हैं। तो जब हम कोशिश करते रहेंगे, ऐसी मुश्किलात में फंसेंगे और फिर हम फैसले करेंगे, तो फिर इंशाल्लाह हमसे फैसले सही होंगे। और आप तो जानते हैं कि हादसा एकदम नहीं होता, बरसों इसकी परवरिश होती रहती है, इसके मुहर्रिकात बनते रहते हैं, वजूहात बनती रहती हैं, और फिर हादसा होता है। तो अगर हम चाहें कि हमारी ज़िंदगी में हादसा ना हो, तो हमें थोड़ा थोड़ा करके इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि या तो हम रोज़ाना थोड़ा थोड़ा मरते हैं, रोज़ाना हम कोई ना कोई गलत फ़ैसला करते हैं, हमारा ज़मीर हमें मलामत करता है, हम उसको पसे पुश्त डाल देते हैं, हम गलत फ़ैसले करते हैं। अगर इदराक में नहीं है, जान के नहीं किया, तो फिर तो खैर है, भाई जानते ही नहीं है, तो फिर गलत फ़ैसला हो गया, ओके माफ़ी है इसकी। और अगर जान बूझ के
आपने उस बात को समझा ही नहीं, जाना ही नहीं, और फिर भी कोई गलत कदम उठा दिया, तो थोड़े थोड़े से हम अपनी मौत की तरफ बढ़ते हैं, हम थोड़ा थोड़ा मरते हैं और फिर एक दिन सचमुच की ठंडे ठार हो जाते हैं। या ख्वातीन और हज़रात, हम थोड़ा थोड़ा जीते हैं, रोज़ाना हम थोड़ा थोड़ा जी उठते हैं और हम अच्छे काम करते हैं, छोटे छोटे अच्छे काम, किसी को हंस के देख लिया, किसी से मीठी बात कर ली, किसी ने आपको बुरा कहा, आपने उसको माफ़ कर दिया, आपने जो है, फॉरगिवनेस इज़ द की टू हैप्पीनेस, माफ़ कर देने ही असल में कुंजी है खुशी की, और आपने अपनी स्किल्स को थोड़ा सा बेहतर बनाया, आपने कोई अच्छा काम किया, किसी ने आपको थपकी नहीं दी, आपने ख़ुद को ही थपकी दे दी, किसी और ने अच्छा काम किया, कोई गिर गया तो आपने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और हाथ बढ़ा के उसको उठा लिया और उसकी हिम्मत अफजाई कर दी। तो या तो हम थोड़ा थोड़ा रोज़ाना जीते हैं, और जो ऐसा लोग जीते हैं ना, जो दूसरों का भला करते हैं, खुद का ख्याल रखते हैं, दूसरों का ख्याल रखते हैं, अपना ख्याल इसलिए रखते हैं ताकि दूसरों का ख्याल रख लें, ये लोग मरते नहीं हैं, ये कभी भी नहीं मरते, ये दिलों में ज़िंदा रहते हैं, ये किताबों में ज़िंदा रहते हैं, ये किस्सों में, कहानियों में ज़िंदा रहते हैं। वो आप भी हो सकते हैं, वो कोई ऐसे लोग नहीं होते जो कोई मावराई मखलूक होती है, खलाई मखलूक होते हैं, वो ऐसे नहीं होते, वो आप मुझ जैसे ही गोश्त पोश्त के इंसान होते हैं, उनके भी जज्बात होते हैं, उनको भी ठोकर लगती है, उनसे भी गलतियाँ होती हैं, उनको भी घाव लगते हैं, उनको भी ज़ख्म लगते हैं, मगर वो ज़ख्मों की वजह से, देखिए जब चोट लगती है ना इंसान को तो बिलबिलाता तो है, ये तो बात पक्की है कि अगर हमें चोट लगेगी तो ये मुमकिन नहीं है कि दर्द ना हो, दर्द तो होगा, हमें थोड़ा सा दर्द तो होता है, और ये दर्द जो होता है ये कुछ देर के लिए होता है, ये हमेशा के लिए नहीं होता, मगर दर्द में अगर इंसान थोड़ी देर अगर रो भी लेता है तो वो भी खैर है, कोई ऐसी बात नहीं है, थोड़ी देर के लिए इंसान अपने दर्द की वजह से अगर रो भी ले तो खैर है, मगर मैं आपको बताऊं कि हमारी बॉडी अल्लाह पाक ने ऐसी बनाई है कि जब हमें दर्द होता है, हमें चोट लगती है, हमारा कोई ऑपरेशन हो रहा होता है, तो हमारे अंदर एंडोर्फिन्स एंड कैफलिन्स ऐसे जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो हमारी दर्द का मदावा करते हैं, जो हमारी दर्द को कम करते हैं, उसकी तख़फीफ़ करते हैं, उसमें कमी लेके आते हैं। तो कोई भी काम जब हम करते हैं खुशी के लिए, और कोई भी काम हम करते हैं जायके के लिए, कोई भी काम हम करते हैं कि हमें मज़ा आए, तो एक परख कर लीजिए, एक तोल कर लीजिए कि हम जो काम करने जा रहे हैं उसका मज़ा कितनी देर लास्ट करेगा। मज़ा कहीं ख़त्म हो जाए और वो गुनाह, वो जुर्म हमेशा के लिए आपके खाते में हो जाए तो ऐसा मज़ा भला नहीं है, ऐसे मज़े से जो है जान छुड़ा लें। और कोई भी ऐसा सवाब का काम, कोई भी ऐसा अच्छा काम, कोई नेकी का काम जो करने में आपको दिक्कत हो, परेशानी हो, तो ये देख लीजिए कि ये दिक्कत और परेशानी कितनी देर रहेगी। हो सकता है कि दिक्कत, परेशानी, मुश्किल दूर हो जाए और वो काम अच्छा नेकी का आपके खाते में अमर हो जाए, हमेशा के लिए आ जाए। तो ये देख लीजिए, इंसानों को कभी मुश्किलात भी झेलनी पड़ती हैं, कभी आसानियाँ भी होती हैं, मौसम सदा एक से नहीं रहते, जहाँ पे दिन होता है वहाँ अंधेरा भी होता है, जहाँ रात होती है वहाँ पे रोशनी भी होती है, इस तरह से मामला चलते रहते हैं। तो मैं ये सिर्फ कहना चाहता था कि जब चोट लगती है तो बच्चे को हम ये नहीं कहते कि आप चलना छोड़ दो, हम कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, चोटें तो लगती ही रहती हैं, बड़े बड़े हो जाओ सब ठीक हो जाएगा, शाबाश, यू विल बी ऑल राइट, आप उसको पैट ऑन द बैक करते हैं, प्यार करते हैं, उसकी चीक्स पे चूमते हैं, उसको शाबाश देते हैं, थपकी देते हैं, इट्स गोइंग टू बी ओके एंड द लाइफ गोज़ ऑन। सो शफकत से, प्यार से, मोहब्बत से बहुत दिल जीते जा सकते हैं और बहुत सी चीज़ें हम कर सकते हैं। सुल्तान भाई, ये काफ़ी लंबा भाषण हो गया, काफ़ी मैंने लंबी बात कर ली, असल में एक कुछ मैं नोट्स ले रहा था, मुख्तलिफ किताब पढ़ने की कोशिश करता हूँ, और एक किताब मैं पढ़ रहा था जिसका ताल्लुक था खुशी से। तो मैं ये चाहूँगा कि हम इस पे आज बात करें। मैं चंद जुमले उस किताब में से जो मैंने पढ़ के नोट्स लिखे उन पे मैं थोड़ी सी बात करूँगा, आपके भी उस पे इनपुट लूँगा, जो है असद की भी इनपुट लूँगा, मगर फ़िलहाल मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि मैंने इतनी लंबी बात कर ली तो मैं चाहता हूँ कि अब लोग थोड़ा सा
ईजी भी हो जाए, रिलैक्सिंग वाली बात। तो कोई बहुत ही मधुर, कोई बहुत ही सुरीला, कोई दिल को छू जाने वाला ऐसा गाना सुनाए जिसमें कि क्लासिकी अंग भी हो। और देखिए, एक तानसेन के मुतल्लिक कहते थे कि वो जब राग दीपक लगाता था तो आग लग जाती थी, और जब वो मल्हार लगाता था अपना सुर तो बारिश बरसने लगती थी। अब आज का वो दौर नहीं है, ना वो लोग हैं, मगर आज के लोग भी कमाल लोग हैं, जैसे ख्वातीन हज़रात हमारे दरमियान सुल्तान। फ़न जैसे आप कह रहे हैं कि वो और लोग थे, फ़न तो वैसे ही चलता आ रहा है। फ़न कभी अच्छे लोगों के पास आ जाता है, कभी उससे कम लोगों के हाथ आ जाता है, लेकिन फ़न जो है ना उसी तरह चलता आ रहा है। तो अभी मैं आपको एक गाना सुनाऊंगा, वो शफकत अमानत अली ख़ान साहब ने गाया है, और बड़ा बड़ा मुश्किल गाना है, और लेकिन मैं भी मतलब चूँकि हमने लाइव करना है तो कोशिश हम करेंगे। आप मुश्किलों से घबराने वालों में नहीं, घबराना है नहीं, मुझे अच्छा लग रहा था तो वो मैं आपको सुना। देखिए, वो जो है शफकत, उनका घराना है, उनका कई नस्लों से वो मौसीकी के साथ जुड़े हुए हैं। आप जो हैं, आपको वो कहेंगे अताई है। अताई समझते हैं जी, क्या होता है अताई? जो बैकग्राउंड तो नहीं है, नहीं घराना नहीं है, मौसीकी नहीं, मगर आप पहले आदमी हैं जिसने घर से मार खाई जी, ऐसे ही झड़कें खाई मगर बाज नहीं आए। ऐसे आप भी इसी तरह ही, आपका भी शौक था, आपका दिल किया कि भाई मैं भी मौसीकी प्ले करूं, आपने खुद से सीखा, आपका दिल जुड़ा हुआ था इससे, आपको मज़ा आता है, तो इस तरह से आपने भी। तो हो सकता है कि वो बात बने, हो सकता है वो बात ना बने। आज कल इंडस्ट्री में, मौसीकी की इंडस्ट्री में बड़े नाम ऐसे हैं, बहुत से नाम ऐसे हैं जो पुश्त दर पुश्त नहीं गा रहे। फर्स्ट ऐसा हो रहा है, उनके मामा बाबा ने उनको मना भी किया मगर वो नहीं माने, और अब उनका बड़ा नाम है। तो हमारी तो इस वक्त मौसीकी में ऐसे बहुत से नाम हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, अगर आप किसी भी फील्ड में स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते रहते हैं, तो अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त और नाम से नवाजता है। मेहनत शर्त है, मेहनत और इखलास, इखलास साफ नीयत हो। आप मतलब आप जो काम कर रहे हैं पूरे पैशन के साथ करें, और आपकी नीयत साफ हो, बस तो अल्लाह ताला इज्जत देते हैं। तो अभी मैं गाना सुनाऊँ आपको, वॉल्यूम ज़रा बेहतर करना। सावन बीतो जाए बेहरवा, सावन बीतो जाए बेहरवा, मन मेरा घबराए, मन मेरा घबराए, ऐसो गए परदेस पिया तुम, सो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, चैन हमें नहीं आए, मोरा सैया मोसे भोले ना, मोरा सैया मोसे भोले ना, मैं लाख जतन करुहारी, लाख जतन करुहारी, मोरा सैया मोसे भोले ना, मोरा सैया मोसे भोले ना।
प्यार तुम्हें कितना करते हैं, प्यार तुम्हें कितना करते हैं, तुम ये समझ नहीं पाओगे, तुम ये समझ नहीं पाओगे, जब हम ना होंगे तो बिहरवा, जब हम ना होंगे तो बिहरवा, बोलो क्या तब आओगे, बोलो क्या तब आओगे, मोरा सैया मोसे भोले ना, मोरा सैया मोसे भोले ना, मैं लाख जतन करूँ हारी, लाख जतन करूँ हारे, मोरा सैया मुझसे भोले ना, मोरा सैया मुझसे भोले ना। खत्म हो गया जी, एक मिनट, इतनी जल्दी? अभी तो मज़ा आना शुरू हुआ था। बहुत मज़ेदार, थैंक यू, बहुत अच्छा। और अब ये जो मौसम चल रहा है बरसात का मौसम, उसके हवाले से भी क्या बोलते हैं इसके आगाज़ में, सावन भी तो जाए बेहरवा। हाँ जी, कि सावन तो गुजर रहा है, पता नहीं आप देखें ना, सावन का ये जो मौसम है इसके साथ शायरों ने काफ़ी मोहब्बत की। हाँ, इस मौसम को अपनी अपने अपने उन्वान में शामिल किया है, अपने अल्फाज जो शायरी में इस्तेमाल हुए, तो जैसे ये किसी बागीचे पहले एक दौर में फूल गुलाब, लेकिन ज़्यादातर जुदाई का जो जुदाई की जो पोइट्री होती है उसमें ज़्यादातर लोगों ने सावन को इस्तेमाल किया है, और ये एक रोमांटिक चूंकि मौसम होता है तो इस गाने में भी उन्होंने ऐसा ही इस्तेमाल किया। दूसरा मिसरा कहते, सावन भी तो जाए बेहरवा, मन मेरा घबराए, मन मेरा घबराए, ऐसो गए परदेश पिया तुम, चैन हमें ना आए। देखिए, इसमें दो फैक्टर्स हैं असद साहब। एक तो ये फैक्टर है जो आपने बयान किया है कि महबूब जो है वो कहीं बाहर के मुल्क में चला गया, तो नौकरी वोकरी मिल गई उसको, चला गया छोड़ के महबूब। हो सकता है इसी शहर में हो, कहीं दूसरी जगह हो, कुछ भी हो सकता है, मगर जब वो चला गया तो जो फिर मोहब्बत जागी, जो फिर ख्याल आया हैं, मगर वक्त गुजर जाए तो फिर तो सिर्फ इंसान हाथ मलता रहता है मक्खी की तरह, बस याद ही रह जाती है, यादें रह जाती हैं। अच्छा, दूसरी जो आपने इसमें बात बयान की है वो डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, ज़रा फिर से रिपीट कर दें आप। सावन सावन भी तो जाए बेहरवा, मन मेरा घबराए। रोकिएगा, ये मौसम में क्या होता है कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, हब्स हो जाता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। हाँ जी, मन मेरा घबराए, इंसान का दिल घबराने लगता है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, दो गाम चलें तो पसीने छूट जाते हैं। तो शायर जो हैं वो हकीकत हाल से आशना होते हैं और अपने लफ्ज़ों में उसको पिरो देते हैं जी। तो ये उन्होंने बात की है। अच्छा, एक बात मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा, आपने कहा कि बारिश का मौसम, पानी और इनसे बहुत ज़्यादा जो है शायरों के ऊपर ऐसी कैफियत होती हैं जिनमें वो मोहब्बत की बात करते हैं। एक तो बारिश की आवाज़ जो है वो हमें बड़ा रिलैक्स करती है, बड़ा सूदिंग उसका इफेक्ट होता है। हाँ, अगर बारिश जो है वो पेरिस में हो तो अक्सर क्या होता है कि वो उन्होंने उसका इंतज़ाम किया होता है, बारिश होती है और वो ड्रेन्स में चली जाती है, शहर बनाते हैं, शहरों में बहुत से लोग रहते हैं तो वो ड्रेन्स में चली जाती है। अगर हमने सही इंतज़ाम ना किए हों और बारिश का मौसम हर साल आता है, सावन भी आता है, भादों भी आता है, मानसून भी आता है, क्योंकि मानसून की
हवाएं चलती हैं बे ऑफ बंगाल से, वहाँ से चलती हैं, बारिश आती है, बादल आते हैं, बरसात होती है। अगर हमने सही बरसाती नाले ना बनाए हो, भल सफाई ना की हो, उनको पहले से साफ ना किया हो, तो वो सारा उबलने लग जाता है, वो गटर्स की तरह वो सारा मिक्स हो जाता है, और वो जब होता है तो कई घरों में घुस जाता है, कई गोदामों में घुस जाता है। तो चीज़ें जो हैं उनकी खूबसूरती तभी कायम और दायम रहती है कि अगर हम पहले से उनका कोई ना कोई सदे बाब करके रखें कि ये जो होने वाला है उसका हम इसी तरह से, ये जो मोहब्बत का सरचश्मा है ये भी अगर इसमें से पानी निकले एक जगह पे खड़ा रहे हिले जुले ना। जब पानी एक जगह पे खड़ा रहता है तो उसमें क्या पैदा हो जाते हैं, डेंगी, डेंगी यस, बीमारियाँ पैदा, बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। लोग समझते हैं कि मोहब्बत की वजह से उनका दिल जो है वो तेज़ तेज़ चल रहा है, उनको जो है ना कपकपी तारी हो रही है, ये मोहब्बत, अरे वो डेंगी हो जाता है, सर में दर्द शुरू हो जाता है, वो डेंगी लार्वा जो है वो लड़ जाता है। सही, तो ख्याल रखना चाहिए ना, एक जगह पे इकट्ठा ना हो, पॉन्ड्स ना बने। अच्छा ये बताइए आप असद भाई कि अगर पानी एक जगह पे खड़ा रहे, वो चलता ना हो और उसको काफ़ी देर एक ही जगह खड़ा रहे, तो वो पानी साफ और शफाफ रहता है या ख़राब हो जाता है? नहीं, गंदा हो जाता है, स्मेल आना शुरू हो जाती है। ये मोहब्बत का सरचश्मा जो है ना, इसमें से जो उबलता हुआ सरचश्मा है ये भी अगर एक ही जगह पे खड़ा रहे और इसमें कोई हम नई रूह न फूकें, हम इसमें कोई नयापन न पैदा करें, इसको हम दोबारा से इसको रिन्यू न करें, ये जो दिल है ये जब धड़कता है और ये खून चलता है तो इंसान जिंदा रहता है। हर जगह वो ऑक्सीजन पहुंच जाती है, हर जगह वो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है, जो फासिद मादे हैं वो रिमूव हो जाते हैं ये चलने से। जी, खून जब तक गर्दिश में रहता है, अगर खून रुक जाए, मुंजमद हो जाए तो क्या, तो इंसान खेल ख़त्म हो जाता है, पैसा हजम। सर पानी भी जब चल रहा होता है तो वो ऑटोमेटिकली वो फिल्टर भी हो रहा होता है, तो कोई चीज़ भी है वो चलती रहे तो इंसान भी अगर चलता रहे तो इंसान है और ज़िंदगी है, अगर रुक गया तो बस खेल ख़त्म। तो इसी तरह वो फ़ोन की भी वही बात है। अच्छा ज़रा देखिए, अगर आज हम फ़ोन कॉल ले सकें, चेक करें फ़ोन अपना मंगवाएं, अगर है यूज़फुल है, यूज़ेबल है तो लाएं। अच्छा मैं बात ये कहना चाह रहा था असद भाई और सुल्तान भाई कि पानी जब रवा रहता है तो आपने कहा साफ शफाफ रहता है, ये ज़रा देखिएगा फ़ोन मुझे पकड़ाइएगा, थैंक यू। लो जी नाजरीन, जब आप चाहें आप फ़ोन भी कर सकते हैं और आज की गुफ्तगू में आप भी शरीक हो सकते हैं। तो मैं ये बात कर रहा था सुल्तान भाई कि मोहब्बत का सरचश्मा जो है ना उसको भी हमेशा रवा दवा रखना चाहिए। अच्छा इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपने किसी एक खातून से मोहब्बत का इजहार कर दिया है तो आप उस सरचश्मे को रवा दवा रखने के लिए दूसरी और तीसरी और चौथी और पांचवी खातून से भी मोहब्बत का इजहार करें, कभी बज़रिया फ़ोन, कभी बज़रिया SMS, मेरा ये मतलब नहीं है। ये मोहब्बत का बहुत, जैसे कोई आप सर्कल लगाएं ना तो आप छोटा सर्कल लगा लें, बड़ा सर्कल, मोहब्बत फातह आलम कहते हैं, मोहब्बत जो है वो बहुत उसका वो बहुत बड़ी चीज़ है। इसके मतलब हम थोड़ी बात करेंगे। मैं क्या कहना चाह रहा था, इस वक्त हमें एक फ़ोन कॉल आई है, बहुत दिनों के बाद आज हम प्रोग्राम में फ़ोन कॉल ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ फरी। आप बड़ी साइकोलॉजिस्ट बनी फिरती हैं, आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, आपका पता नहीं 15-20 साल का तजुर्बा है, आप माशाल्लाह एक हस्पताल में 15-20 साल से नफ्सियाती उमूर से सताए हुए मर्द व जन जो आपके पास आते हैं उनकी आप जो है साइकोथेरेपी करती हैं। ज़रा आज ये तो बताइए कि आपका मोहब्बत के मुतालिक क्या ख्याल है? पहले तो मैं बताती हूँ, लेकिन आपने जो अचानक कॉल पे किए ना तो मुझे ये आज से कोई
आप कह रहे हैं कि 22 साल पीछे चली गई हूँ मैं और मुझे उसी तरह पैल्पिटेशन हो रही है जैसे फर्स्ट टाइम आपसे बात करते हुए हो रही है। अरे ऐसा क्यों, ये जो बीच में गैप आ गया, जो गैप आ गया उसकी वजह से मुझे बिल्कुल आज वो ही फील हो रहा है जो फर्स्ट टाइम 1996 में। अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि उसकी वजह ये है कि ह्यूमिडिटी बहुत है और इस्लामाबाद वगैरह में भी बहुत ह्यूमिडिटी है, तो ये मैं अभी बता रहा था असद को और सुल्तान को कि उस वजह से भी दिल मोरा घबराए। आप चिल्ड कमरे में बैठी हुई हैं। अच्छा फिर अब आप बताएं, फिर ये मैंने तो आपसे सवाल पूछ लिया कि एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ये बताइए कि ये मोहब्बत है क्या चीज। जो इंसान को किसी भी काम के लिए जो एक ड्राइविंग फोर्स होती है ना वो लव है। वो जरूरी नहीं है इंसानों का आपस का लव हो, वो किसी भी चीज आपका पैशन जो किसी भी चीज के लिए, आपकी जॉब के लिए, आपकी स्टडीज के लिए, आपकी किसी भी हॉबी के लिए जो एक ड्राइविंग फोर्स होती है जो आपको पुश करती है कोई भी काम करने के लिए, वो लव है। इसको मैं तो लव कहती हूँ। मगर कई दफ़ा फरी ये होता है कि जब हम किसी काम को बहुत दिल से करते हैं, बहुत प्यार से करते हैं, तो हमारे दिल में डर सा आ जाता है और डर ये आ जाता है कि कहीं ये प्यार, ये मोहब्बत, ये काम का वलवला, ये जोश मुझसे खो न जाए, छिन न जाए। हत्ता कि कभी कभी तो ये भी ख्याल आ जाता है कि कोई और मुझे रिप्लेस ना कर दे। इनसिक्योरिटी तो होती है प्यार में, ये तो है। प्यार में इनसिक्योरिटी होती है? अच्छा, ये अब मैंने ये जो दोनों हजरात मेरे साथ बैठे हैं उनसे मैं पूछूंगा, क्योंकि कभी ना कभी इन्होंने भी प्यार किया होगा। मैं आपको बताती हूँ, इनसिक्योरिटी जो है ना वो देखिए हमारे पास कोई भी प्यारी चीज हो हमारी, कोई भी, जैसे फर्ज करें मैं एग्जांपल देती हूँ, अपनी गाड़ी किसी को बहुत पसंद है, गाड़ी मुझे कार पसंद है, वो अब अगर मुझे वो प्यारी लगती है, मुझे पसंद है, तो मुझे उसके बारे में फिक्र तो होगी ना कि कोई इसको चोरी ना कर ले। मैं निकलते हुए उसमें 10 लॉक्स लगा के निकलूंगी, पास करने के पास करते हुए मैं देखूंगी ऐसी जगह पास करूंगी जिससे कोई आसपास वाली गाड़ियां टक्कर ना मार जाए। जरा थोड़ा सा इनसिक्योरिटी इस सेंस में मैं कह रही हूँ कि उस चीज के बारे में हम थोड़े से ना ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, थोड़े इसका मतलब है कि चीजों को इस्तेमाल नहीं किया जाता बल्कि चीजों से प्यार किया जाता है। प्यार भी किया जाता है, प्यार करके इस्तेमाल नहीं किया जाता। अच्छा, चीजें मुझे ये लगा कि हमेशा इस्तेमाल के लिए होती हैं और प्यार के लिए तो लोग होते हैं, तो अब जिनसे प्यार हम कर लेते हैं फिर उनसे भी जुदाई का डर लग जाता है। बहुत ज्यादा। अच्छा छोड़िए, पहले मैं आपको एक और बात बता दूं, जो आप कह रहे थे ना कि जो मैं बात कर रही थी पैशन की, लव की, और मैं कह रही थी है, तो अभी हुआ ये कि आपका प्रोग्राम शुरू होने से 5 मिनट पहले मुझे अम्मी की कॉल। अच्छा, और अम्मी ने कहा फटाफट नीचे कौन, जो वो हमारी एक बड़ी अच्छी पुरानी चित्राल दिन माने की फ्रेंड है अम्मी की, आंटी शमीम, वो आई हुई है अपनी बेटी। आंटी शमीम आई हुई थी जी? अरे शमीम आरा, आंटी सलीम, नुसरत सलीम। अच्छा आंटी सलीम आई हुई थी। सलीम वो सलीम है ना, सलीम साहब आपके पास थी? मेरे पास सलीम साहब जी, मेरे वो है ना वो जो वहाँ पे जो वो बिजली वाले जी, उनके हम नाम अंकल की भाई। अच्छा ये उनके हम नाम। अच्छा मेरे पास जब भी सलीम का जिक्र आता है ना तो मुझे शेखू याद आ जाता है जो बहुत ही ज़्यादा अनारकली के साथ मोहब्बत करता था और उसको आखिर इसी मोहब्बत की सज़ा और इसी पादाश में दीवार में चुनवा दिया गया था। जी, जैसे हमने, मैंने सुना था किसी ने एक सांप को चुनवा दिया था दीवार में। सांप को जी, उस... हमारी फैमिली में किसी रिलेटिव ने किया था कि उनके घर में सांप एक जगह निकला ना, तो उन्होंने वहां पे टीम पे लगा के बंद कर दिया। अरे हो सकता है कि नागिन हो क्या पता, और वो अक्षाधारी नागिन हो जिसको उन्होंने उसमें, वो तो उसका उसका बदला बहुत बुरा होता है, वो भूलती नहीं है, उसकी आंख में जो उसको चुनवा देता है, जो उसका साथ करता है, उसकी आंख में उसका नक्श रह जाता है। ये तो बात है, और अक्षाधारी जो है
उसका तो फिर आपको पता है कि वो सौ सौ रूप धार लेती है वो। जी बिल्कुल। तो इजाज़ भाई अब एक सीरियस बात भी आपसे। अच्छा सीरियस, मैं तो उस वक्त से सीरियस बातें करूँ, आपने मेरी किसी बात को सीरियस ही नहीं दिया, कमाल हो गई भाई। जी मैं बात ये कर रही थी, मेरी आज छुई अच्छी भी है पैशन पे। पैशन और फैशन दे गो हैंड इन हैंड। पैशन पे पहले तो मैं अपनी पहली बात कंप्लीट कर लूँ। वो रह गई थी कि अम्मी ने मुझे कहा कि फौरन नीचे आओ, आंटी आई हैं, मिलो आके उनकी बेटी दोनों वगैरह से आके। तो मैं तो आपको पता है इतनी इरिटेट होती हूँ अगर मुझे आपके प्रोग्राम से कोई रोके, ये मेरे लिए बहुत ही इरिटेटिंग फैक्टर है। मैंने कहा अम्मी मैं नहीं आ सकती, घर लम्बी हुई, फिर आपको पता है ना डांट काफी होती है। तो वो फिर मैं चली गई नीचे, लेकिन मैं बस आंटी को मिल के 5-10 मिनट बैठ के और एक बहाना करके मैं वापस ऊपर आ गई। अच्छा प्रोग्राम से शुरू पहले 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 प्रोग्राम बस आपका जैसे ही शुरू हुआ है ना, तो मैं बस आंटी को अलविदा। इसका मतलब ये कि देखिए जिस चीज का मैं पैशन होता है कई दफा उसके लिए बहाने भी करने पड़ते हैं। बिल्कुल, और मैं तो करती हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता, मेरी पसंदीदा। डंके की चोट पे करते हैं, मतलब बंदा जो है वो कहता है कि भाई मेरा पैशन, मेरी ये जो है मुझे ये चीज पसंद है, जो रोक सको तो रोक लो, जो करना है कर लो, जो कहना कर लो, हम तो आ रहे हैं, हम नहीं रुकने वाले। कितने साल हो गए आपके इस पैशन को? कितने साल हो गए? 22 years हो गए माशाल्लाह। तब से आप डॉक्टर एजाज कुरैशी के प्रोग्राम सुन रही हैं और देख रही हैं। आपको एक मेडल मिलना चाहिए, मेडल तमगा जुर्रत। मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ और मैं सोचता हूँ कि इसके लिए कैसे आपको रिवॉर्ड किया जाए और कैसे इस पे आपका शुक्रिया अदा किया जाए। वाह, ये तो आपने कहा टू गिव इज टू रिसीव। ये आज हमने अपने साथ जो है स्टूडियोज में पहले तो दो महान कलाकार बुलाए हुए थे, इन दोनों को सलाम, मेरी इन दोनों को सलाम। वालेकुम सलाम। दाएं तरफ जो वाले जो हैं सुल्तान साकिब बलोच को सलाम, असद असगर साहब जो हैं उनको सलाम। मगर बात यहाँ रुकती नहीं है, यहाँ से तो शुरू होती है। अभी जो हमारे साथ एक और बहुत बड़े महान और बहुत ही जिसको कहते हैं बिग बिग आर्टिस्ट आने वाले हैं। अच्छा। वो मैं आपको बताऊं कि जब हमारा गाना विलिंग वेज का रिलीज हुआ था धुआं, उसकी जो मौसीकी तरतीब दी थी वो सुल्तान के साथ मिलके उन्होंने तरतीब दी थी। मैं नाम बताऊं ऐसे एक तुक्का मारूं? नाम तो आपको पता नहीं, वो याद होगा या नहीं, लोग भूल जाते मुझे हैं। याद है वैसे, मेरी मेमोरी पे मुझे यकीन है कि तुम्हें याद है, जरा जरा मुझे याद हो कि ना याद हो। वो राहील तो नहीं? राहील बिल्कुल हमारे साथ हैं आज। राहील को भी हम सलाम पेश करते हैं। और जब आप सब लोग आंखें झपकेंगे और पर्दा सीमी से हम थोड़ी देर के लिए गायब होंगे और एक कमर्शियल ब्रेक आएगी, आएगा भी आएगा, आएगा और छाएगा, राहील हमारा आएगा, राहील हमारा आएगा। आपको पता है ना इलेक्शन का सीजन चल रहा है, तो इसीलिए हम मेरा वो जरा उस तरह का माइंडसेट हो जाता है। तो आपका बहुत शुक्रिया फरी, अभी तो और भी बात करनी थी मगर वक्त। सुल्तान साकिब बलोच भाई से मैं अफसोस करूंगी उनका जो सामान खिलाफ में वेस्ट हुआ, उस पे मुझे बड़ा दुख हुआ था सुन के। हाँ ये तो है, मगर हमने बात ये इजाज़ भाई मेरे घर में एक दफा चोरी हुई थी आपको याद है, और उसके बाद में मुझे एक बड़ी अच्छी बात हुई थी, वो मुझे इसी को सुना। क्या कहा था मैंने? आपने मुझे कहा था कि अल्लाह जब भी आपसे कोई चीज इस तरह की लेता है ना, तो उससे बेहतर चीज से अल्लाह आपको रिवॉर्ड देता है। लो जी बिल्कुल ऐसे ही है, मैंने भी इन्हीं की बात अभी आपसे बात कर। देखिए ये तो यकीन और ईमान की बात है कि अल्लाह हमसे करता है मोहब्बत,
और अल्लाह से हम भी करते हैं मोहब्बत, और जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो फिर वो ये परेशान ना हो कि कोई भी किसी तरह की उनको तकलीफ पहुंचे, कि ये वक्ती टेस्ट एंड ट्रायल्स हैं, मगर इसके बाद जो होने वाला है वो बहुत ही बेहतरीन है। तो ये तो हमारे ईमान की बात है और मोहब्बत और खलूस की बात है। तो मैं आपका पैगाम जो है वो इन तक पहुँच गया है, सुल्तान भाई तक। तो आज के लिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, आप प्रोग्राम देखती रहें। वो धड़का ना लग जाए, वो जो बीच में आपको आदत नहीं रहती तो फिर ऐसा ना हो कि फ़ोन जो है बात करनी है तो दिल धड़कने का सबब याद ना रहे। बहुत शुक्रिया फरीफ हुई, खुश रहिए और चिल्ड माहौल में रहिए। जज़ाकअल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। जी आप क्या कह रहे थे सुल्तान? मैं ये कह रहा था कि घर में भी जब किसी बड़े बच्चे को, मैं मिसाल दे रहा हूँ जी, बड़े बच्चे को आपने मोहब्बत में प्यार में कुछ चीज़ उसके पास पहले थोड़ी है और ज़्यादा लेके देनी हो तो आप कहते हैं बेटा ये अपने छोटे भाई को दे दो या फलां कज़न को दे दो, हम आपको ये बड़ी चीज़ लेके दे। तो अल्लाह ताला जब आपसे कुछ चीज़ लेता है तो आपका अकीदा ये होना चाहिए कि चूँकि अल्लाह ताला मोहब्बत करता है आपसे बहुत ज़्यादा, तो वो आपको कुछ बड़ा देना, उससे बेहतर देना चाहता होता है। तो इसीलिए यही सोच के मैं मतलब उसको। एक्सेलेंट, बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी सोच है। ख्वातीन हज़रात, असद असगर इस वक्त कीबोर्ड पे बहुत ही ज़बरदस्त हमें अपने फ़न का मुजाहिरा भी करके दिखा रहे हैं। अभी गाना भी हमने सुना असद से, और असद जो है संगत कर रहे थे और इधर सुल्तान आपको गाना सुना रहे थे। तो हमने जो पुरानी याद ताज़ा की है जिसमें हमने धुआं जो है गाना आपके लिए विलिंग वेज की तरफ से रिलीज़ किया था, राहील हमारे साथ थे, आज भी हमारे साथ हैं। तो अभी थोड़ी देर में अपने गिटार के साथ राहील हमारे साथ होंगे। प्लीज़ हमारे साथ रहिए और हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद पलट के आते हैं। हमारे कुछ स्टाइल बने होते हैं फैमिली में या किसी प्यारे से, हमारा जो सबका इंटरेक्शन होता है, जो सबका लेन देन होता है या सबका जो हमारे रवैये होते हैं एक दूसरे के साथ, वो राह में बहुत बड़ी रुकावट पैदा करते हैं। और हम आदतें जो एक दफ़ा अपना चुके होते हैं तो उनको अगर हम खाली विल पावर के ज़ोर पे बदलना चाहें तो फिर ज़्यादा देर तक विल पावर का सिक्का नहीं चलता और हमें कोताही अपनी समझ में आने लगती है, मसला हल नहीं होता और हम थक जाते हैं, परेशान होते हैं, हिट बॉटम होते हैं। तो फिर हम वाकई बदलने के लिए तैयार होते हैं कि जो आर्ट और साइंस के रास्ते हैं, क्योंकि इसमें आप कुछ ना कुछ आर्ट का मुजाहरा भी करते हैं, अच्छे मुज़ाकरात का मुजाहरा भी करते हैं और साइंटिफिक अप्रोच को भी लेते हैं, और उसको लेके जब आप एक रोड मैप बनाते हैं और फिर कदम ब कदम उस रोड मैप पे आगे बढ़ते हैं तो फिर खुशहाली और कामयाबी आपके कदम चूमती है। सबसे पहले हमें किसी ना किसी तरीके से अपने आप को एक ऐसी ज़हनी सतह पे रखना है, जज्बाती कैफियत कुछ ऐसी रखनी है कि जो किसी भी तरफ शिद्दत की तरफ ना जा रही हो, यानी एक दरमियानी न्यूट्रल लेकिन थोड़ी सी मुस्बत और पुर उम्मीद ज़हनी कैफियत से हम मामलात को ज़्यादा अच्छा डील कर सकते हैं, हम ज़्यादा अच्छा तज़िया कर सकते हैं। और कभी कभी ये जो डिस्करेजमेंट बीच में आ जाती है तो हमें इस पर भी काबू पाना होता है। जब ऐसे लगे कि बहुत मुश्किलात हो रही हैं तो फिर छोटे गोल सेट करने चाहिए, जब हमें कामयाबियां मिल रही हों तो फिर ज़रा बड़े गोल सेट करने चाहिए। तो कभी एक कदम पीछे आना पड़े तो कोई बात नहीं, आप दो कदम आगे और एक कदम पीछे और दो कदम पीछे और तीन कदम आगे अगर करते रहें तो कामयाबी आपको ज़रूर मिले। चोकिंग यूँ होती है कि जब हम ज़रा थक जाते हैं तो थोड़ा हम सांस ले लेते हैं और फिर हम दोबारा अपनी मंजिल की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। जैसे आप पहाड़ की चोटी सर कर रहे हो और आपको कुछ देर बाद लगे कि आपका सांस फूल गया है तो आप थोड़ी देर बैठ जाते हैं किसी जगह, और उसके बाद फिर जब आपका सांस दुरुस्त हो जाए तो आप फिर चोटी की सिमत चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन टैंकिंग इसके बरक्स है कि आप अंधाधुंध किसी मंजिल की तरफ चलना शुरू कर देते हैं, आप पहाड़ की चोटी पर तरफ चल रहे हैं, आपका सांस फूल गया और फिर साथ आपके जहन में ख्याल आया कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, बिला वजह मैं ये काम कर रहा हूँ, ये तो कोई ख़ास अहमियत का हामिल नहीं है। तो जब आपकी जो असल मंजिल है या आपका जो गोल है
वो आपको कम अहमियत का हामिल नज़र आने लगे तो आप समझे कि आप टैंकिंग कर रहे हैं। चोकिंग वो चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी में हमेशा कारामद होती है, लेकिन टैंकिंग हमें डुबो देती है। अंदाज़ा करें कि जो इस तरह भी आगे बढ़ते हैं कि अपने क्लास फेलोज को और दूसरे लोगों को समझाने बैठते हैं, तो बाज़ औक़ात वो उनको कायल करने की बजाय वो खुद कायल हो जाते हैं। और कोई ना कोई दिन उनकी ज़िंदगी में ऐसा आता है कि जब उन्हें कोई कोफ्त होती है या कोई उनको कोई मिजरी होती है या उनको कोई परेशानी होती है या कोई ज़िंदगी के बुरे दिनों में से कोई दिन आ जाते हैं, तो ऐसे मौके पे वो गलतफहमी में हाँ कर बैठते हैं नशे के बारे में, सिगरेट के बारे में, चरस के बारे में, ये सोचते हुए कि बस मैंने कौन सा ये करना है, मैं तो लोगों को समझाता हूँ इसलिए मैं तो टेम्परेरी करूँगा। आ जाए नाज़रीन, तो हम बता रहे थे कि अभी हमारे साथ असगर कीबोर्ड पे थे और अब राहील हमारे साथ हैं और गिटार अपना साथ लेके हैं। वेलकम राहील। सर बिल्कुल, राहील मुझे ये बताएं कि ये आपने वज़न कम क्यों कर लिया? बस वो कुछ बीमार हो जाता है बंदा कभी। अच्छा। तो मैं तो लाइफ में खैर पहली दफ़ा इतना सीरियस बीमार हुआ था। अच्छा। तो उसके अंदर जो है वो मुझे कुछ हुआ, मेरा वेट भी गिर गया बिकॉज के 15 to 16 days ऑलमोस्ट मैं 1 or 2 fever में रहा हूँ डे नाइट, और डॉक्टर्स को पता ही नहीं लग रहा था, हालांकि बहुत से डॉक्टर्स चेंज किए कि मसला क्या है बुखार का। तो एट द एंड वो एड्रेस बता देना था ना मसला का, बुखार किस वजह से हुआ। एट द एंड मैंने खुद बैठ के फिर अल्लाह के करम से गूगल किया तो मुझे पता लगा कि मुझे फॉल्ट क्या है। तो फिर मैं गूगल मैप्स में पता चला तो फिर मैं उसको फॉलो किया और वो ठीक चीज। अच्छा, किस कहाँ पे था आपकी बीमारी जो थी? बीमारी वो डिफेंस में थी, जौहर टाउन में थी, मुझे जी ब्रेन में थी, मेरे ब्रेन के साथ स्पाइनल के अंदर इशू आया हुआ था जिसकी वजह से मेरा फीवर कंट्रोल नहीं हो रहा था, और वो लोग एंटीबायोटिक्स दे रहे थे और डिफरेंट टेस्ट कर रहे थे। इवन मेरा टीबी का टेस्ट कर, मतलब कि डॉक्टर्स ने करवा लिया, मैंने कहा टीबी मुझे तो खांसी है ही नहीं, मतलब वो हो जाती है, इसको हम कहते हैं मेनिनजाइटिस। अच्छा, गर्दन तोड़ बुखार। अच्छा हाँ, ये जो है हमारे जो दिमाग होता है वो 3 झिल्लियों में होता है। अच्छा हाँ, उसको कहते हैं प्राया मैटर, एरेक्नॉइड मैटर और ड्यूरा मैटर। अच्छा, कई दफ़ा वो झिल्ली, और वो जो झिल्लियाँ दिमाग को ही नहीं सिर्फ कवर करती, वो पूरी जो हमारी शीट जो है वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड को भी कवर करती। Exactly. तो कई दफ़ा जो हमारा सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है CSF, उसके अंदर वो कोई इशू कोई आया वो आ जाती बिल्कुल आ जाती है, और वो फिर उसकी वजह से एंटीबायोटिक्स लेना बड़ी खतरनाक, कई दफ़ा तो मसला लेने के देने पड़ जाते। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। मैं कहता हूँ अल्लाह ने ज़िंदगी दी है दोबारा मुझे, अल्लाह ताला आपको सेहत दे और आप पर अपनी रहमत करे, करम करे। और ये जो बीमारी आपने बताई है ये तो आपने लोगों को बताई है क्योंकि हकीकत में ये थी, मगर एक बीमारी का मैं साथ साथ जिक्र और उसको कहते हैं मोहब्बत की बीमारी। बिल्कुल लवेरिया, लवेरिया। मगर आप तो पहले से ही मोहब्बत के अंदर डूबे हुए हैं और वो आपकी मौसीकी से मोहब्बत है। सर बिल्कुल, ये तो इश्क है, ये मोहब्बत तो छोटा लव, छोटा लव। मतलब कि मैं मेरे मरहूम वालिद को मैं कहता था कि मेरे जिस्म में खून नहीं बल्कि म्यूजिक चल रहा है। वाह वाह, ये मैं उनको कहता था कि ये बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहे लगा दो डर कैसा। वाह, जो जीत गए तो क्या कहने, हारे भी तो बाजी मात नहीं, जिस शान से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। वाह वाह, क्या बात है डॉक्टर इजाज, कमाल यार, कमाल है। यू आर अ रियल आर्टिस्ट, यू आर अ रियल पर्सनालिटी। सर ये आपकी मोहब्बत, हाँ। ये चाहते हैं, आपने मुझे पहचाना है सर, नहीं हमने भी पहचाना है। अल्लाह करेगा, वी विल वर्क इन फ्यूचर, आई स्वेयर। मैं जो कहता हूँ वो मैं मेरी कोशिश से मैं करूँ और मैं उसकी उस पर फोकस हूँ, एंड आई विल डू इट इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, एक तो आपने वो धुआं का जो है ना वो ज़रा थोड़ा सा यार अगर माइंड ना करें तो, क्योंकि हमने रिलीज़ किया था वो गाना विलिंग वे से और उसमें जो आपकी इनपुट थी, क्योंकि सुल्तान उस पर बहुत देर से काम कर रहे थे, सुल्तान ने उसके लिरिक्स लिखे, उसको जो है कंसीव किया और फिर डॉक्टर सदाकत के सामने रखा, डॉक्टर सदाकत ने बहुत पसंद किया, फिर उसके बाद वो कह रहे थे कि कुछ इसमें मिसिंग है, कोई इसमें कुछ ऐसे जिस तरह मुड़कनियाँ, मुड़कनियाँ नहीं होंगी म्यूजिक के। बिल्कुल बिल्कुल, फिर ये आपके बड़े फैन हैं। अरे नहीं नहीं, इसमें ऐसा कोई मसला कहते नहीं है, कहते हैं मेरा भाई है ये। बिल्कुल बिल्कुल, और हम काम करते हैं तो इकट्ठे करते हैं और जो प्रोजेक्ट इकट्ठे करते हैं वो हिट हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। ये फिर आपके साथ गए, हाँ जी, और फिर वो जो गानों में ट्वीक ये आप करते हैं ना, इसको ट्वीक करते हैं, इसके एडजस्टमेंट करते हैं, तो वो मौसीकी भी थी, उसको भी आपने
और निखार दिया बिल्कुल, और उसके अंदर लाइटनिंग और वो सब कुछ आपने डाला, फिर आपने उस दिन जो अपनी सुर उठाया जी एंड के ऊपर, ओए होए होए होए, बहुत मजे का वो थोड़ा सा अगर आप आज, असल में वो उसके कुछ लिरिक्स वगैरह का इशू आएगा अभी, क्योंकि राइट नाउ काफी गाने माइंड में पुराने अपने, इवन ये तो धुआं मतलब के सुल्तान की तरफ से सॉन्ग मेरी तरफ आया था, मेरे अपने गानों के लिरिक्स का मुझे मसला आ जाता। अच्छा, आपको जो याद है ना जितना, हाँ, वो आप सुना दें। मुझे एक बात बताएं, जो जिसके अंदर मौसीकी होती है ना, आप इधर शुरू करेंगे ना तो कुछ ना कुछ वापस आएगा। आप जरा गिटार उठाएं। नाजरीन, आपको एक बात बताऊं कि राहील जो है उनसे बहुत दिन से हम प्रोग्राम बना रहे थे मिलने का, और ये बहुत बिजी थे क्योंकि बीच में जैसे बताया कि बीमारी हो गई, अल्लाह ताला इनको सेहत दे, इनके लिए दुआ करें, इनकी कामयाबी के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला इनको हमेशा जो है अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और इनकी फैमिली को भी। अच्छा, हुआ ये कि काम बहुत इनके पेंडिंग हो गए, तो मैंने कहा यार आज तो तूने आना है, तो ये दौड़ते भागते हुए बगैर प्रेपरेशन के आ गए हैं। Exactly. यहाँ आके ये इन्होंने अपना गिटार जो है उसको पहले तो कपड़े से साफ किया। बिल्कुल, मुझे पता है ना, इनके स्टूडियोज में जाता हूँ तो ये काम में इतने होते हैं कि काम पे फोकस कर रहे होते हैं, और ये लेके आए, फिर इन्होंने उसको ट्यून किया। Exactly. ट्यून करते करते एक इसका जो हिस्सा टूट भी गया, तो मैंने कहा यार अब क्या करोगे, कहते हैं यार बात यह है कि हम इस मौसीकी से दिल जोड़ देते हैं तो ये एक छोटी सी चीज़ टूटी है, क्या क्या तो आपने माइंड नहीं करना अगर थोड़ी बहुत इधर उधर हो। एग्जैक्टली, जरा प्लीज गुनगुनाते में ये धुआं खा गया मेरी रूह को, मेरे चैन को, मेरी रूह को, मेरे चैन को, रास्ता उम्मीद का मुझे दिखा ए खुदा, कहाँ फना मेरी अना, मर गया ढूंढता आसमां बीरो रहा। वाह जी वाह, कमाल हो गया। मुझे कुछ कॉर्ड्स याद आ गए थे लेकिन लिरिक्स जो मेरे वाले पार्ट थे शुरू के कितनी हंसी वो आप गा के जरा, प्यारी थी जिंदगी बीते वो लम्हे थे दीदे अपने बराए हुए हम दिए गलते दिए। मुझे अब देखे ना, अब मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है, कनेक्ट हुआ है, वो एकदम रिकॉल आई है कि ये वर्ड्स थे कुछ इस तरह। एग्जैक्टली ये चीज मेरे। अच्छा जी, ऐसा है कि कुछ ज़हन में मेरे ख्याल आ रहा है, राहील साहब से भी गाना भी सुनेंगे ना अभी, राहील साहब से गाना भी सुनना है, बहुत बहुत कमाल गिटार के साथ। कोई लेटेस्ट गाना आपने, मैं आपको कोई कवर सॉन्ग सुनाता हूँ किसी और आर्टिस्ट का, कोई कवर सॉन्ग सुना। आइटम सॉन्ग तो मैंने पता है कि होते हैं, हाँ, आइटम सॉन्ग ओ आइटम सॉन्ग, मगर तो कवर सॉन्ग क्या होता है ये मुझे नहीं पता। कवर सॉन्ग ये होता है कि जो आइटम सॉन्ग तो मैंने देखे हैं, हाँ जी, वो मुन्नी आंखें खुल की खुली रह जाती। एग्जैक्टली, मुन्नी बदनाम हुई और पता नहीं बदनाम कौन कौन हो गया। तो कवर सॉन्ग्स में ये होता है कि जो गाने ऑलरेडी मशहूर हो चुके हैं और उनको आप रिकम्पोज करते हैं या आप उनको दोबारा से बस सिंग करते हैं तो उसको कवर सॉन्ग। अच्छा, वो ये एक नया नेम कवर सॉन्ग आ गया। वाह, कि कुछ कवर कर लेंगे किसी ओरिजिनल आर्टिस्ट का सॉन्ग, दोबारा से आपको सुनाते हैं अपने अंदाज़ से। जिस तरह से वो पुराना एक गाना है ना, यार डाढ़ी इश्क आतिश लाइए, अली जफर ने उसको दोबारा गा दिया। एग्जैक्टली, तो इसको कवर कहेंगे आप। ओरिजिनल सॉन्ग इज ओरिजिनल एंड आइटम सॉन्ग का तो आपको पता है, आइटम का तो मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि मैं सुल्तान भाई को भी कह देता हूँ, मैं सुल्तान भाई आप भी बड़ी आइटम है। मैं तो सुल्तान को कह रहा था कि आइटम सॉन्ग एक अदा करे और उसमें डांस भी मतलब खुद कर ले। नहीं, खुद ना करे प्लीज ये काम छोड़ दें। देखे, जब कोई काम अच्छा करने के लिए और लोग मौजूद हैं तो हमें सारे काम खुद ही थोड़ी करने हैं। नहीं, उनका जैसे वो कह रहे हैं ना कि नहीं, देखिए मेरा पता पॉइंट ऑफ व्यू क्या था। देखिए जी, हमेशा आइटम सॉन्ग्स के अंदर फीमेल्स डांस करती हैं,
ठीक है, और बंदे मजा करते हैं, तो मैंने कहा तू करेगा तो फीमेल्स मजा करेंगे, तू बंदों का आइटम बनेगा। ये आपने आज बड़ी आइटम छोड़ी। Why not males should be entertaining the females? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इलेक्शन की बड़ी गर्मा गर्मी चल रही है। जी बिल्कुल। क्यों आपने इलेक्शन के लिए गाना बनाया? इलेक्शन के लिए जी मैंने गाना तो नहीं बनाया, लेकिन ये कि होप सो कि अल्लाह करे कि इस दफा कुछ बेहतर हो पाकिस्तान के लिए। ठीक है, ठीक है। तो गाना आपने क्या जो है इस वक्त हमें आप कवर सॉन्ग कौन सा सुनाएं? कवर सॉन्ग आपको मैं सुनाता हूँ राहत अली खान का एक, जो उसने डुएट किया सुनीति चौहान के साथ, आई थिंक इंडियन उसका है ये डुएट, काफ़ी अब तो आई थिंक 2-3 years बैक था ये मेरे ख्याल से। तो इसको गिटार पुश करते हैं आपके लिए, जो भी मेरे माइंड में एडवांस एकदम से आ रहे हैं, जो आ रहे हैं और उसमें आपने जो चेंजेस करने हैं, जो उसमें एट द स्पॉट आपने कोई अपने अंदाज में ही गए हैं ना ये तो। और अगर आप गिटार के स्ट्रिंग्स को साथ लेके चले, ऊपर कुछ आप हाथ से करना चाहें जैसा। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखते हैं इसको। ओके, इसी कवर सॉन्ग के बीच में से मैं, अगर आप कहेंगे तो इसी गाने को गाते गाते एक और गाना निकाल दूंगा किशोर का कोई। ठीक है, ठीक है, किशोर दा। हाँ, विदाउट स्टॉपिंग इट। ओके ओके ओके, मेडले हो जाए। हाँ, थोड़ा सा एक दो को सॉन्ग का मेडले बना लेते हैं। एक हीर थी यार, था एक राजा, कहते हैं मेरे गांव में है, सच्चा हो मन तो सो मुश्किलें हो, उड़ता नसीबा में हो, हो हमें तो यही रब्बा कसम से पता है, दिल पे नहीं कोई जोर, कोई जोर तेरी ओ तेरी ओ तेरी ओर आए रब्बा, तेरी ओ तेरी ओ तेरी ओ तेरी ओ तेरी ओ तेरी ओर आए रब्बा, तेरी ओ एक और ओल्ड सॉन्ग था उसमें से निकालते हुए तेरे किशोर के अलावा। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल कर ना सके
से बिछड़ के भी ओ बेखबर तेरे ही गम में जलते रहे, जाने तुम्हें मैंने कोई धोखा दिया, जाने तुम्हें कोई धोखा हुआ। इस प्यार में सच झूठ का हम फैसला कर ना सके, हम बेवफा हरगिज न थे, पर हम वफा कर ना सके। हमको मिली उसकी सजा जो हम खता कर ना सके, हम बेवफा हरगिज न थे, पर हम वफा कर ना सके। कॉन्सर्ट पे ज्यादा मजा आता है इधर जरा क्या बात, वो जो ऊपर में गया था पूछा कि कॉन्सर्ट होता और प्रॉपर माइक होता तो वहां जरा काफी लंबा वो नोट में सस्टेन करता। सो मजा है, बहुत मजा है। जो अभी जहन में आया मैंने अभी इस वक्त विदाउट एनी प्रैक्टिसिंग और बस मैं आके ये समझ लिया, मैं अपनी बीमारी के बाद कोई एक महीने बाद मैंने आज गाना गाया होगा। तो आपको लगा होगा कि अब आपकी बीमारी जो है आपसे दूर भाग गई। एग्जैक्टली, वो शायद सॉन्ग सुन के भागी होगी कि यार नहीं मेरा इधर नहीं बस चल रहा, इसको गाने दो। सही बात है, क्योंकि हमारे मूड मिजाज का ताल्लुक जो है, हम कई दफ़ा ना मिजाज को भी ओढ़ना पड़ता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर हम दुखी हैं और हम उस दुख की हालत में अपने आप को और दुखी कर लें तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इंसान एक कंबल सा ओढ़ के और बिल्कुल हालत उसकी बुरी है और वो बिल्कुल मुंह छुपा के और मुंह लपेट के। मेरा ऐसा ही सीन रहा कि मैं इतना बीमार हूँ और मैं ना कॉमेडी प्लेस देख रहा हूँ, इसमें पाकिस्तानी इंडियन इंग्लिश, और मैं स्किट्स देख रहा हूँ कि मैं हंसूँ तो सही ना यार, मतलब बहुत शदीद बीमार हूँ और मैं हंस रहा हूँ बैठ के, मैं कह रहा हूँ ओके, और उसमें मैंने टाइम पास किया अपने सारी बीमारी के हंसते हंसते। बहुत अच्छी बात। मैं भी ऐसा करता हूँ कई दफ़ा, मुझे हंसी नहीं आ रही हो तो मैंने अपने पास एक आईना रखा हूँ। तो मैं वो आईना ऐसे जब देखता हूँ तो फिर मैं हंसने लगता हूँ। इस चीज़ से मुझे एक शेर याद आ गया कि झांका जब अपने गिरेबान में तो जहां में कोई गुनाहगार ना रहा। वाह, ऐसा पता चल गया कि यार मुझ जैसा आसी, मुझ जैसा कोई गुनाहगार है तो फिर जहान तो बाकी सब अच्छे लोगों से भरा हुआ। जबरदस्त बात है, बहुत अच्छी बात है। जब आप खुद एहतसाबी आप करना शुरू कर देते हैं तो फिर आपको कोई दूसरा बुरा नहीं लगता है। सही बात है। मैं ऐसे तलाश करता हूँ, अगर जो है मुझे कोई नज़्म ऐसी मिल गई तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं वो नज़्म पढ़ूँ सर प्लीज़, और आप जो है उस पर थोड़ा, बल्कि आपका तो जितना अच्छा वोकल और वॉइस ओवर टोन है मैंने तो ये फाइनल सोचा हुआ, बल्कि आप टाइम निकालें कि कुछ बनाते हैं उसमें आप पोइट्री करें, आप सिर्फ रिसाइट करेंगे पोइट्री को और सुल्तान साकिब और मैं उसमें सिंगिंग करेंगे। जबरदस्त, और ये हम पूरा कंपोज करते हैं एक ज़बरदस्त सी चीज़ और उसको फिर ज़रा लोगों को सुनाएंगे यहाँ पर बैठ। इट विल बी वेरी गुड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, जैसे कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल। अच्छा, ये हबीब जालिब की एक नज़्म है सर प्लीज़, अभी मैंने मतलब पहले कभी नहीं पढ़ी, अब कुछ भी हो सकता है, मतलब जैसे नया नया प्यार होता है ना कुछ भी हो सकता है। तो बिल्कुल उसी तरह से ये एक नज़्म है और आपका गिटार है सर, मेरी इज्जत आपके हाथ में सर। नहीं नहीं प्लीज़ प्लीज़। तो जालिब कहते हैं कि कटी अब कटी मंजिले शामे गम, कटी अब कटी मंजिले शामे गम, बढ़ाए चलो पा फिगारो कदम, कटी अब कटी मंजिले शामे गम, बढ़ाए चलो पा फिगारो कदम, हमी से फिरोजा है शम्मे वफा, हमी से फिरोजा है शम्मे वफा, हमी ने भरा है मोहब्बत कथम, हमी से फिरोजा है शमाए वफा, हमी ने भरा है मोहब्बत का दम, कहीं यास के हौसले बढ़ न जाए, कहीं यास
कि हौसले बढ़ न जाएं, कहीं आस के रुक न जाएं कदम। वाह। बढ़ेगा जमाना बढ़े शौक से, बढ़ेगा जमाना बड़े शौक से, किए जाओ दिल की कहानी रकम। बदल जाएगा देखते देखते ये अहदे खराबी ये अहदे सितम। निकलने को है आफताबे सहर, निकलने को है आफताबे सहर। शब शबे तार है बस कोई और दम, शबे तार है बस कोई और दम। मिटाकर अंधेरों का नामो निशान, मिटाकर अंधेरों का नामो निशान। उजालों की बस्ती बसाएंगे हम, कटी अब कटी मंजिले शाम गम। ए यारो बढ़ाए चलो पाफिगारो कदम। क्या बात, वाह बहुत अच्छे। क्या आप, कैसा जबरदस्त आप बोलते हैं। अभी तो इसमें से कोई एक आधी लाइन मुझे आप दे दें तो ये तो अभी से ही शुरू हो जाएगा। बीच में आपका सुटोन आएगा और बीच में मेरी सिंगिंग। वाह, यहीं से शुरू होगा। यहीं से शुरू, जहां पे हम खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। एग्जैक्टली। फादर नसरात, आपकी दिलचस्पी का, आमद का, प्रोग्राम में शिरकत का बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ कीबोर्डिस्ट असद अभी मौजूद थे और अभी यहाँ पर हमारे साथ जो हैं राहील मौजूद हैं। राहील अभी गिटार रखना है। सर, प्रोग्राम अख्तिताम हमने एक और तर्ज से करना है, एक और एक्सपेरिमेंट करना है। देखिए, जो लोग जिंदगी में डर जाते हैं इस बात से कि जाने क्या होगा, हम जिस रास्ते पे चले हैं उसका अंजाम क्या होगा, वो कदम उठाते उठाते डगमगा जाते हैं। पूरी हिम्मत से, पूरी इस्तेआत से, पूरे हौसले से कदम उठाइए। जो कदम उठाते हैं मंजिल उन्हीं का इंतज़ार करती है, उन्हीं के लिए बाहें फैलाए खड़ी होती है मंजिल। मगर जिनके कदम डगमगा जाते हैं वो भी कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, चलते चलते डगमगाते। हाँ, जो बैठ जाते हैं उस कहानी में, जिस तरह से खरगोश जिसको अपने ऊपर बहुत मान था वो बैठ गया और वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ केचुआ कछुआ अपनी मंजिल तक पहुंच गया। सर सॉरी, आपकी बात काट रहा हूँ इसी बात के ऊपर। कुरान पाक में एक आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला उसमें फरमा रहे हैं कि और जब किसी काम का इरादा कर लो तो अल्लाह पर भरोसा करो, बेशक अल्लाह तवक्कल अल्लाह को पसंद है। क्या बात है, ये आयत है एग्जैक्ट, मैंने आपको आयत सुनाई है। ये कोई ब्रीफिंग नहीं है, इट्स ए डायरेक्ट आयत। जो रब्बे कायनात है, जो हमारा खाने वाला, खिलाने वाला, पालने वाला, पोसने वाला, बड़ा करने वाला, ज़िंदगी देने वाला, ज़िंदगी को हमसे जुदा करने वाला, जो हर चीज़ का मालिक है, जो अबद से है, अजल तक रहेगा, अगर हम उसके साथ अपनी हस्ती को जोड़ दें, मुश्किल है मगर एक कोशिश है। तो जो बात आपने कही है, जो कुरान में लिखा, कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और जब किसी चीज़ का इरादा कर लो तो अल्लाह पर भरोसा करो, बेशक अल्लाह तवक्कल पसंद है अल्लाह को। कि मतलब कि तुम्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा, आगे अंधेरा है, तुम्हारी नज़र में अंधेरा है। अल्लाह कह रहा है मुझे पसंद ही हुआ है जो कहेगा कि अल्लाह बेहतर करेगा, और उस अंधेरे में चल पड़ा है अल्लाह खुद ब खुद रोशनी और रास्ते सारे बनाएगा। ये तो आयत में अल्लाह हमें फरमा रहा है कि तुम क्यों रुक गए अंधेरे को देख कर, बैठ गए कि नहीं यार यहाँ। जब मुश्किल आए तो सब्र करो, सब्र कर, जब आसानी आए तो शुक्र कर, बेशक बेशक। और इसी के दरमियान, सब्र और शुक्र के दरमियान तमाम इज्जतें, तमाम कामयाबियां छुपी हैं। बेशक बेशक। आप देखें ना, इंसान अगर सब्र कर लेता तो फल खाता, जन खुद थोड़ा सा सब्र कर लेता तो बच जाता। सब्र ही तो नहीं किया, बेसब्री की ऐसी बातें, बेसब्री की और जन्नत से निकल के इस दुनिया में आ गए। मगर हमारा खमीर जहाँ से उठा है हम लौट के वहीं जाएंगे अगर हम सही जस्तजू रखते। बेशक बेशक। अच्छा, मैं जाते जाते छोटे छोटे दो किस्से बताना चाहता हूँ जो कि मैं अब रेपिटेटिवली बता चुका हूँ। अभी कल जो मैं प्रोग्राम संडे मॉर्निंग शो कर रहा था रेडियो पे, उसमें भी मैंने बताया, मगर किस्से जो हैं उनके अंदर मानी इतना ज़बरदस्त है। तो पहला किस्सा ये है कि एक रेस्टोरेंट था। अच्छा। रेस्टोरेंट में तीन सहेलियाँ जाएँ,
वो खाना उन्होंने ऑर्डर दिया, बड़े मज़े से खाना खा रही थी, तो उधर से एक कॉकरोच उड़ता हुआ आया और एक सहेली की कलाई पे बैठ गया। अब उनको कहना तो ये चाहिए था कि छड़ मेरी वीनी ना मरोड़, कचनियाँ मंगा ना तोड़, मगर वो पैनिक कर गए। उन्होंने कहा पता नहीं ये जो खबीस चीज़ है जो मेरे आके बैठ गई मुझे खा जाएगी क्या होगा। कॉकरोच इज मोर देन अ डायनासोर टू अ फीमेल, यू नो। फियर हमें डायनासोर भी आ रहे तो हम दो मिनट सारा देखेंगे ना, खा जाएगा। वो डायनासोर से भी बहुत बड़ी चीज़ है फीमेल्स के लिए कॉकरोच। अच्छा, अब वो आके उनके इधर बैठ गया, उनको लगा कि पता नहीं क्या हो गया, तो उन्होंने एकदम एक ऊंची सी, वो जो आप कह रहे हैं ना कॉर्ड जोन और माइक, उन्होंने जो चीख मारी वो तकरीबन रेस्टोरेंट की छत 6 इंच ऊपर होके नीचे आ गई। ऐसी उन्होंने बुलंदो बांग आसमान फलक शिगाफ चीख मारी और साथ यूं किया, तो वो उधर से उड़ा और उनकी सहेली के ऊपर जाके बैठ गया। अब वो उनके यहाँ थाई पे आके बैठ गया। कॉकरोच था ना हंजार, समझदार नहीं था, वो एकदम हबड़ दबड़ में उठी और उन्होंने जो यूं किया तो सारा खाना जो है वो पलट के उधर जा पड़ा, गरम गरम खाना। अब वो गरम खाना जो इधर भी गिरा उधर भी गिरा, और भी लोग थे और कॉकरोच भी परेशान था कि मैं कहाँ आके फंस गया। कॉकरोच उड़ा और जो तीसरी सहेली थी उनके बालों में जाके गई, उनके गजरा बन गया, उनका हार बनने की उसने कोशिश की तो उनको वो मुसीबत पड़ गई। उन्होंने अपने बालों को झाड़ा, एक कोहराम समझ के आ, एक अजीब सूरत हाल हो गई, रेस्टोरेंट का मौसम ही बदल गया, वहाँ पे खाने पीने वालों की अजीब घिग्घी सी बन गई कि हो क्या रहा है। वो तीनों औरतें जो उछल रही हैं कूद रही हैं और खाना जो है वो ताएं बाएं तितर बितर हुआ है। एक उधर से भागता हुआ आ गया, जिस तरह ये इरतसाम है ना उस तरह से एक बहुत ही ज़बरदस्त नौजवान अपने ऊपर काबू रखने वाला वेटर। वेटर आए, उसने जब सारी सिचुएशन देखी, दाएं बाएं अजीब हंगामा सा है बरपा, ना उन किसी ने पी है ना किसी ने कुछ किया है, तो पता चला कि कॉकरोच है, तो वो कॉकरोच ने भी भांप लिया कि ये एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, यानी ये नहीं हिल रही, तो वो वहाँ से उड़ा और आके उसके इधर सीने पे बैठ गया, जैसे तमगा नहीं होता। अच्छा, उसने पैनिक नहीं किया, उसने जो है सांस रोका और ऐसे करके देखा, पूरी सिचुएशन का उसने जायज़ा लिया और एकदम हाथ बढ़ा के कॉकरोच पकड़ लिया। कॉकरोच पकड़ के वो बाहर गया इख्तिसाम और जाके ड्रेन में उसने उसको जहाँ की चीज़ वहीं फेंक दी। ख़्वातीन हज़रात, ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ एक था कि ज़िंदगी में अगर आपका ये ख्याल है कि कोई अनहोनी नहीं होगी, आप मज़े से कहीं बैठे होंगे, खा रहे होंगे, पी रहे होंगे, इन्जॉय कर रहे होंगे और कोई अनहोनी, अनप्रेडिक्टेबल कोई ऐसा वाक्या, सानिहा, रूनुमा कभी नहीं होगा जो आपको पसंद ना हो। आप ये समझेंगे इतने इतने बड़े गुलूकारों के दरमियान बैठा हूँ मगर आपको पता है शौक़ दा कोई मोल नहीं, तो आप ये समझेंगे कि जो तुमको हो पसंद वही बातें होंगी, गाना कुछ और है, ऐसा नहीं होता। कोई ऐसी बात कर देगा, कोई ऐसा वाक्या हो जाएगा जो आपको अच्छा नहीं लगेगा और उसकी वजह से आप पैनिक कर जाएंगे, आप रिएक्ट कर देंगे और रिएक्शन से क्या होगा कि सारा खेल जो है ना तितर बितर हो जाएगा। प्लीज़ लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इरतसाम भरी है जैसे इंजमाम था। सर कॉकरोच की बात से एक बात, मैं अभी बात मुकम्मल नहीं है, प्लीज़ अभी मुझे उसको फिनिश कर, फिर आपने बताना है कॉकरोच। उसने क्या किया कि उसने सारी सिचुएशन को देखी जहाँ पे पैनिक थी, जहाँ पे दिल धड़क रहा था, दिल करता था मुंह तोड़ दें, ऐसा होता है कोई बात ऐसी हो जाती है, पेशेंस कहाँ पर है, आपकी पेशेंस खत्म हो जाती है, आप कहते हैं मैं तो इसको मुंह पे जवाब दूंगा, ऐसा जवाब दूंगा इसकी, तो रिएक्शन आ जाता है, जल्दबाजी करते हैं और आपका दिमाग माउफ हो जाता है, अकल माउफ हो जाती है। ऐसे में जो काम आपने करना है वो ये करना है कि रिएक्ट नहीं करना बल्कि रिस्पॉन्ड करना है। याद रखिए, अगर आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, यू कैन राइज अप टू द सिचुएशन, कितनी भी मुश्किल हो आप कूल रहें, अपने काम से काम एंड कीप काम।
अपने आप को कूल रखें, सोचें और फिर रिएक्ट करें एक सुरत के साथ और एक कॉन्फिडेंस के साथ, तो आपके जितने भी बिगड़े काम हैं, प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि कोई शख्स आपको बुरी बात नहीं कहेगा, कोई हादसा नहीं होगा, कोई वाक्य नहीं होगा, हो जाते हैं। जो होता है ज़िंदगी में वो सबके साथ होता है, कभी मेरे साथ होता है, कभी किसी के साथ कोई बीमारी, कभी कोई अंदेश खौफ, कुछ भी हो सकता है, मगर जब आप जम के उसका मुकाबला करेंगे तो खौफ पीछे हट जाएंगे और आप जो है उसमें से विक्टर, विक्टोरियस और जीत के सामने आएंगे। सर जी जनाब, सर बिल्कुल इसी बात को मैं ज़रा सा कंटिन्यू करूँगा और कि कुरान पाक में आयत में है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के एक सबर करने वाला 10 लोगों पर भारी है और 20 सबर करने वाले 200 लोगों पर भारी है। मतलब कि 20 लोग अगर सबर करेंगे तो 200 में भारी है और एक बंदा 10 में भारी है। तो अगर आपके घर में कोई भी सिचुएशन हो रही है या आपके ऑफिस में हो रही है या कहीं भी कुछ हो रही है, आपके साथ कोई मोनोपोली हो रही है, व्हाटएवर द सिचुएशन विल बी, आपको लग रहा है, तो आप अकेले अगर सबर करेंगे तो 10 लोगों पर आप भारी हैं, आप डील कर सकते हैं। मतलब कि इस आयत से मैं इस डायरेक्शन में पहुँचा हूँ कि अगर एक राहील को कम लग रहा है, एक राहील कि मुझे लग रहा है कि मेरी रैम कम है और मैंने काम ज़्यादा करने, मुझे 10 राहील चाहिए, तो वो सिर्फ सबर के साथ मैं 10 राहील की पावर दूंगा इस दुनिया के ऊपर। वेरी गुड माशाल्लाह, अदरवाइज मैं एक ही हूँगा। और आपको बताया कि जंग बदर में, गज़वा बदर में मुसलमान जो थे 313 थे और उनमें बच्चे भी थे और उनके पास कोई मैन पावर भी कम थी exactly. और कोई साजो सामान भी जंग का नहीं था exactly. और कोई घोड़े वगैरह भी नहीं, नहीं थे, शायद एक आदि हो। उस तरफ जो कुरैश थे जो उनसे लड़ने के लिए आए थे, हजार लोग थे, तीन गुना ज्यादा, तीन गुना ज्यादा और फुली लैस, कील कांटे से लैस। इवन ये जब निकलने लगे थे यहाँ से लोग, ये 300 कुछ लोग, तो इनके घर वालों को भी सबको पता था कि ये मरने जा रहे हैं जी। और ये कुरान पाक में सूरह अल-बकरा के अंदर है इसका वाक्य कि अल्लाह ताला फरमाने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और गज़वा बदर के अंदर चंद लोग, सिर्फ इनका ईमान पक्का था तो मैंने आसमान से 3000 फरिश्ता उतारा है जो इनमें शामिल हुआ है और जिसने इनको जंग जिताई है, क्योंकि सिर्फ इनका ईमान था कि यार अल्लाह मालिक है, हम तो हमने लड़ना तो है। तो जब गैब पे ईमान है, सच्चा इरादा सच्चा है, भागने वालों में से नहीं, कमर दिखाने वालों में से नहीं, पीठ फेरने वालों में से नहीं, तो फिर चीज़ें हो जाती हैं exactly. मगर मुश्किलात आती हैं, मुश्किलात तो हैं। इसी बारे में एक आयत मैंने कल परसों पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और हमने अपने नबियों के दुश्मन बनाए इंसानों में और जिन्नों में, मतलब के इंसानों में और जिन्नों में, मैम सॉरी मैं इस वक्त बीमारी से उठा से थोड़ा सा शायद फ्लक्चुएट हो रहा होगा, कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब नबियों के दुश्मन अल्लाह ने बना दिए तो मैं और आप, हम लोग क्या हैं, जिन्होंने इस्लाम फैलाया, जिन्होंने कुरान पाक लेकर आए, जिन्होंने तरीके बताए हमें, तो उसके बारे में अल्लाह ताला फरमा दिया कि मैंने उनके दुश्मन बनाए। तो मैं यहाँ से सोचा, मैंने कहा या अल्लाह मेरा तो कोई छोटा सा भी दुश्मन इधर से निकल आता है तो मैं फौरन पैनिक हो जाता हूँ और मैं कहता हूँ ये क्या हो रहा है और ये मेरे साथ क्यों कर रहा है। और तो वी शुड बी काम डाउन, हमें पेशेंस के साथ, मतलब अपने काम से काम रखें एंड कीप काम एग्जैक्टली। मेरा ख्याल आज के प्रोग्राम में इजाज़त तो मैं लेना चाहता हूँ, मगर इस गिटार की धुन पे मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा, हम कोशिश करेंगे कि वो स्टोरी इस गिटार पे हम ख़त्म कर लें। सर हमने प्रैक्टिस नहीं की हुई, मगर जैसे मैंने कहा कि बहुत से काम जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो बड़े बेहतरीन हो जाते हैं, हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। बिल्कुल, बट एट टाइम्स हमें लगता है कि हम इतने जो है तैयार नहीं है, प्रिपेयर्ड नहीं है, मगर यार सारी ज़िंदगी जो है हमने चीज़ें करने में देखने में गुजार दी होती है, तो कभी वक्त ऐसा भी आ जाता है जब उनको कर देना होता है, सिर्फ उसके ऊपर बैठे बैठे आलू फोसा पिलपिला आलू बन जाता है आदमी, तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि उसको कर दें। सर हम एक ट्राई मारेंगे जैसे सर, हमने अभी पहले ट्राई की थी, बताएं, ज़रा गिटार उठाइए और सर, कहानी हम शुरू करते हैं। सर ख्वातीनो हज़रात, कहानी कुछ इस तरह है कि एक जजीरा था, उस जजीरे पे बहुत से लोग रहते थे, उनके अपने अपने नाम थे, और वहां पे एक कोई रहता था जिसका नाम था लव, प्यार। एक दिन यूं हुआ कि जजीरा डूबने लगा, मेघ बरसने लगा, पानी उबलने लगा, मौजें थीं कि सिमटती नहीं थीं, आगे ही आगे बढ़ती थी और पानी था कि बढ़ता ही चला जा रहा था। ऐसे में मोहब्बत को, प्यार को, लव को लगा कि मैं डूब जाऊंगा यहीं पर,
और हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाऊंगा। उसने पुकारा, उसने देखा कि कोई कश्ती लेके जा रहा है। उसने आवाज दी, ए कश्ती वाले, ओ कश्ती वाले, मुझे भी अपने साथ ले चलो। जानते हो वो कश्ती वाला कौन था? वो कश्ती वाले का नाम था दौलत, रिचनेस। उसने उसको जवाब दिया कि ना भाई ना, मेरी कश्ती में तुम्हारे लिए जगह नहीं, क्योंकि यहां पे दौलत के अंबार हैं, करेंसी नोट्स हैं, डॉलर्स हैं, पाउंड्स स्टर्लिंग्स हैं, रियाल हैं, हीरे जवाहरात हैं, गोल्ड है, सिल्वर है। मेरी कश्ती में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं प्यार मोहब्बत, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। और ये कहता हुआ चप्पू चलाता हुआ वो चला गया। पानी बढ़ रहा था, रुकने का नाम नहीं ले रहा था। प्यार ने फिर पुकारा किसी और कश्ती वाले, और अब के वो कश्ती वाला जो था उसका नाम था खुद पसंदी, वैनिटी, ईगो। उसने कहा मुझे बचा लो, पानी बढ़ रहा है, तुम्हारे पास कश्ती है, तुम जा रहे हो, मुझे बचा लो। उसने कहा नहीं, तुम सारे कीचड़ में लत पत हो, तुम्हारा हशर बुरा है, तुम्हारे कपड़े गंदे हैं, मेरी बोट तो ये बहुत खूबसूरत बोट है, साफ शफाफ, नाइस अपहोल्स्ट्री, वेरी नीट एंड क्लीन, अपबीट। ना बाबा ना, मेरी बोट में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं मोहब्बत, प्यार, लव। और ये कहता हुआ वो कश्ती चलाता हुआ वहां से चला गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था, कोई बात बन नहीं रही थी। अब के मोहब्बत ने आवाज दी तो हैप्पीनेस से उसका राबता हुआ, हैप्पीनेस से, खुशी से, खुशी से राबता हुआ। खुशी बोट में बैठ के जा रही और चप्पू चला रही थी। उसने कहा रुक जाओ, खुशी ठहर जाओ, हैप्पीनेस तुम तो मुझे साथ ले जाओ। उसने कहा क्या? म्यूजिक तेज था, खुशी थी, हल्ला गुल्ला था, एक पार्टी चल रही थी उसकी बोट पर। उसने कहा क्या 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 कहा? आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। उसने कहा म्यूजिक और लाउड करो, और ज्यादा खुशियां बखेरो। और वो अपनी खुशी में गुम, अपनी खुशी में, अपने ही रंगों में गुमसुम, वहां से खुशी की बोट भी चली गई। लव के यहां तक पानी आ गया, सीने तक। अब उसने कहा मैं नहीं बच सकता, उसने तैरने की कोशिश की, हाथ शल हो गए, मोहब्बत थक गई, शल। उसने अब जो देखा तो उसको गम नजर आया। उसने कहा गम तो मुझे पहचान लेगा, गम तो खुद इस मुश्किल से गुजरा है। उसने गम को आवाज दी कि मुझे भी साथ ले चलो। गम ने कहा मैं बर्बाद हो गया, मेरी जिंदगी अब किसी काम की, मैं मर जाऊंगा, आज नहीं तो कल तुम भी मर जाओगे, सब फना हो जाएगा, कुछ बाकी नहीं बचेगा। डॉक्टर जहां तुम हो वहीं रहो, न तुम्हें मेरी जरूरत है, न मुझे तुम्हारी जरूरत है। और इसी मस्ती में, इसी गम में, इसी अंदोह में गम भी वहां से रवाना। अब कोई आस नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी। लव को लगा कि आज मेरा आखिरी दिन है, अब तो सब खत्म होगा। ऐसे में उसने देखा कि एक बोट में दो बुजुर्ग बैठे हैं और वो जा रहे हैं, और उन्होंने कहा आ जाओ इधर, आ जाओ मेरे बच्चे, इधर आओ, इधर आओ। उसने बड़ी मुश्किल से तैरते हुए हाथ बढ़ाया, बुजुर्ग ने, एक ने उसका हाथ पकड़ा और उसको अपनी बोट के ऊपर जगह दी। बोट पुरानी थी, कहीं बन रही थी, कहीं उसको रिपेयर किया जा रहा था, कहीं पे उसमें खराबियां भी थी, मगर उसी बोट में वो दोनों बुजुर्ग चल पड़े और लव को भी साथ ले लिया। मी बरसता रहा, आखिर मी बरसना बंद हो गया, फाख्ताएँ उड़ने लगीं, परिंदे चहचहाने लगे, और दूर उनको एक किनारा नज़र आने लगा। आखिर उस किनारे पे पहुँचे और उस किनारे पे कश्ती लग गई, और उस किनारे पे कश्ती लगने के बाद उन्होंने लव को कहा कि जहाँ जाना है जाओ,
तुम्हारी मंजिल तुम्हें पुकार रही है, जहाँ जाना चाहते हो जाओ। उसने कहा मगर बड़े मियाँ, बुजुर्ग शख्सियत, अपना तारुफ तो कराए। बुजुर्ग भी चल पड़ा, रुका नहीं। तो जो दूसरा बुजुर्ग था उसने कहा बताइए तो सही है, जो जा रहे हैं जो मेरे मोहसिन हैं इनका कोई पता बता दें, ये कौन है? उन्होंने कहा ये वक्त है, ये वक्त है, इसने बहुत उतार चढ़ाव देखे, इसने तुम्हें पहचान लिया कि तुम प्यार हो। तुम्हारा ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर ये प्यार मर गया, ये मोहब्बत मर गई, ये लव ख़त्म हो गया, तो फिर कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। वाह, हर चीज़ टूट जाए। ब्यूटीफुल से। इसलिए इसने, इनका नाम है टाइम, वक्त। इन्होंने कहा कि पहले इसको बचाना ज़रूरी है। तो प्यार ने पूछा कि आप कौन? उन्होंने कहा मेरा नाम इल्म है, नॉलेज। ख्वातीन व हज़रात, आज का प्रोग्राम वॉक यू टॉक यहीं तक। वाह, आपका राहील बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका भी बहुत शुक्रिया सुल्तान। थैंक यू। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए, हम सब के लिए दुआ कीजिएगा और अपने भी, अपने लिए भी दुआ कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगर खुदा लाए। अल्लाह हाफिज़।